परमहंस मुनि मन उल्लास रे रस हृदय रस रास विलासिनी भुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी कथा किंचन प्रिय सुजान की आरती अति पावन पुराण धर्म भक्ति विज्ञान भान की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान भान की श्रीमद्भागवताय नमः दौ हौ शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगतयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिब्रह्म शान्तिः सर्वज्ञं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः श्यामा शान्तिरेधिः ॐ हरिः ॐ यज्ञेन यज्ञमय जन्त देवास्तान् धर्मान् प्रथमान्यासन्न देहनाकं महिमानः सजन्त यत्त पूर्वे साध्याः सन्त देवाः ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् ॐ महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् सेवन्तकाब्बकुलजम्बकपाटलाब्जै पुन्नाकजातकरवीररसालपुष्पै बेल्मप्रमालतुलसीदलमौञ्जनीभिः स्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तौ ग्रहाण परमेश्वरः साङ्गायो सुप्रभाराय गणपत्यादिदेवतासहितायो राधाकृष्णस्वरूपिणे श्रीकृष्णवाङ्मये मूर्तये श्रीमद्भागवतपुराणपुरुषोत्तमाय नमः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि बोलिए जी भागवत भगवान की श्री वृंदावन बिहारी लाल की। सभी लोग कृपया अपने स्थान पर बैठ जाएं। आज परम कृपा और प्रभु की परि आशीष को प्रणाम है कि आज हम और आप सब सत्य सनातन सेवार्थ संस्थान चैरिटेबल ट्रस्ट श्री धाम वृंदावन के रजत जयंती हिंडोला महोत्सव में परम श्रद्धे गुरुवर भागवत प्रभाकर श्री वैष्णवाचार्य मारुति नंदन वागीशी महाराज के श्री मुख से या भागवत की रसमयी वाणी को पान करके अपने आप को आनंद में रसीभूत कर रहे हैं। आज की हमारी पूजा के जो विशेष यजमान हैं वे हैं दिल्ली से पधारे श्री दिनेश अग्रवाल, श्रीमती अंजलि अग्रवाल और समस्त अग्रवाल परिवार। बंधु, हमारे पास बहुत से फोन आमे हैं पूरे देश से और वे कह में हैं कि श्रीमद् भागवत की कथा तो बहुत है वे, लेकिन श्रीमद् भागवत के मूल स्वरूप की कथा टीवी के माध्यम से हमें पहली बार सुनने को मिल रही है। ये कृपा है परम श्रद्धे गुरुवर भागवत प्रभाकर श्री वैष्णवाचार्य मारुति नंदन वागीशी महाराज की। आज हम सब परम पूज्य गुरुदेव के श्री मुख से श्री कृष्ण के महारास गोपी गीत रुक्मणी मंगल की लीला को आनंद लेंगे। आप सभी से हमारा विनम्र अनुरोध है कि यह आनंद को आप पूर्ण रूप से तभी पाए सको जब अपनी टीवी स्क्रीन पे या चैनल को लगाए गए एक भी मिनट के काजे टीवी ते दूर मठ हटियों। और परम पूज्य गुरुदेव बागीशी महाराज के यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज श्री बागीश जी को लाइक और सब्सक्राइब करके आप जो भी कथा हैं जो भी गुरुदेव की वाणी है वह को आनंद ले सको। चलो सीधे सीधे जुड़े हैं कथा से और अनुरोध करें हैं परम श्रद्धे गुरुदेव श्री मारुति नंदन बागीशी महाराज हों कि हमें या ज्ञान की प्रेम की गंगा से जोड़ें और भागवत के रस को आनंद हमें दिवा में। परम सद्य गुरुदेव मारुति नंदन बागीशी महाराज जय जय श्री राधे।
नमः परमहंसा स्वादित चरण कमल चिन मकरंदा भक्तजन मानस निवासाय श्री गोपी जन बल्लभा श्रीमते रामचंद्राय श्रीमते नारायणाय लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तम् वंदे गुरु परंपराम् सजल जलधकामं प्रेमवापी मरानम् अभिनववनमालं क्षेमवल्लिप्रवालम् नलिनभुवननीलं दानवानां करालम् निखिलमनुजपालं नौमितं नन्दबालम् वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभान् पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरुष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा अरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तन्द्रसिंहमहं भजे नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये अतुलितवलधामं स्वर्णशैलावदेहं दनुजवन कृशानो ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमः कनकवेल श्रीराधिका मोहन श्याम तमाल इन मम हृदय निकुंज में बसहु लाडली लाल भक्ति भक्त भगवंत पुरु चतुर नाम बपुएक इनके पद वंदन किए तो नाशत विघ्न अनेक इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक बोलिश वृंदावन बिहारी लाल की लक्ष्मी नारायण भगवान की जय श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय।
बोली शंकर भगवान की जय। बोली श्री भागवत भगवान की जय। श्री वेद व्यास भगवान की जय। श्री शुकदेव भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्रवण झूलन महोत्सव की जय। शिवृंदावन धाम की जय। जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। आइए बड़े भाव और श्रद्धा से षष्ठ दिवस में प्रवेश करने से पूर्व अपने मन बुद्धि चित्त को भानु दुलारी श्री किशोरी प्रियाजू के चरणों में ले चलें। सभी भक्त मेरे बाद मिलकर ओ भानु की किशोरी भानु की किशोरी श्यामा प्यारी राधे 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 जय 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 श्री राधे।
राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे। भानु की किशोरी श्यामा प्यारी राधे, राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे। श्यामा प्यारी राधे,
राधे 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 गोपाल राधे श्री राधे 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 गोपाल राधे श्री राधे 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 गोपाल राधे श्री राधे 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 गोविंद राधे श्री राधे 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 गोविंद राधे श्री राधे 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 गोविंद राधे श्री राधे 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 गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद राधे श्री 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 राधे 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 गोविंद राधे श्री राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे श्री 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 राधे 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 बोले गोविंद भगवान की जय गोपाल कृष्ण लाल परम मंगल श्रीमद् भागवत महापुराण द्वादश स्कंद अष्टादशसहस्र श्लोक आनंद कंद व्रजेंद्र नंदन श्री श्याम सुंदर की वांगमय प्रतिमा शब्द ब्रह्म की उपासना भगवान वेद व्यास जी की समाधि भाषा श्रीमद् भागवत महापुराण भागवत पीठ के भागवत सभागार में दूर दूर से आए सभी श्रोत्रिय वृंद जो बड़े भाव और श्रद्धा से यहां श्रीमद् भागवत कथा मंदाकिनी में अवगाहन करते ही चले आ रहे हैं और केवल भारत ही नहीं समूचे विश्व में इस आस्था भजन टेलीविजन चैनल के माध्यम से अपने अपने घरों में बैठ करके इस ज्ञान गंगा का
जो आचमन कर रहे हैं, उन सभी का इस श्रीधाम वृंदावन में स्वागत है, मंगलाशासन है इस व्यासपीठ से। कल पूर्वाक्षय का में बड़े भाव और श्रद्धा से हम सभी श्री गिरिराज महोत्सव का आनंद ले रहे थे। भगवान द्वारिकाधीश श्री कृष्ण ने, हमारे बाल कृष्ण प्रभु ने, नंदनंदन ने, नंद बाबा सब ब्रजवासियों से गिरिराज का पूजन करवाया है। सप्त कोसीय परिक्रमा दिलवाई, देवराज इंद्र ने ऊपर से देखा, इन ब्रजवासियों ने मेरी पूजा को छोड़ करके इस पर्वत की पूजा करवाई है, और क्या किया? देवराज इंद्र ने प्रलयंकारी मेघों को आदेश दिया है, जाओ पूरे ब्रजमंडल पर आच्छादित हो जाओ, मूसलाधार वर्षा करो। कड़कड़ गड़गड़ की आवाज हुई, आकाश मंडल के बीच मूसलाधार वर्षा आरंभ हो गई। ब्रजवासी आज भयभीत हो गए। नंद बाबा ने कहा, लाला देख, इंद्र की पूजा को छोड़ करके तेरे कहे अनुसार हमने गिरिराज को पूजन कियो, हमारो देव हमसे रुष्ट है गयो, ये मूसलाधार वर्षा है रही है, सब ब्रज मंडल आज बह जाएगो। नंदनंदन ने कहा, बाबा बिल्कुल चिंता नहीं, ये गिरिराज हम सब के रक्षक हैं। और सज्जनों, कहते कहते नंदनंदन श्री कृष्ण ने सप्त कोस के उस गिरिराज को अपने बाएं कर कमल की कनिष्ठ उंगली के नख पर धारण कर लिया। आज प्रभु का एक नाम पड़ गया। एक बार जय जयकार करें, श्री गिरधारी भगवान की जय। सात दिन सात रात्रि, ध्यान दीजिए, सात दिन सात रात्रि पर्यंत श्री कृष्ण नंदनंदन ने श्री गिरिराज को नख पर धारण किया। और आप लोगों को पूछूं, यदि मैं आज श्री कृष्ण की अवस्था कितनी है, तो आपको बता दूं, केवल मात्र सात वर्ष की है। यह है कृष्ण लीला। कभी श्री कृष्ण लीला के ऊपर कभी कोई आक्षेप मत करना, व्यंग मत कर बैठना। आज कृष्ण लीला पर भी उंगली उठाते हैं, शंकाएं करते हैं। बेंगलोर में जब मेरी एक बार कथा, काफी समय हो गया, एक नौजवान ने मेरे से एक प्रश्न कर दिया। हमने उस दिन श्री कृष्ण रुक्मिणी मंगल उत्सव की कथा को सुनाया। उस नौजवान ने मेरे को पूछ लिया, महाराज ये समझ में नहीं आया, जिन परमात्मा भगवान श्री कृष्ण की आप गाथा गा रहे हैं, उनके नाम रूप लीला धाम को सुना रहे हैं, उन भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मिणी का हरण किया, ये हरण करना क्या एक परमात्मा का अपनी अपना स्वरूप है, उनकी अपनी भगवत्ता है? ये भगवान ऐसा कर सकते हैं? नौजवान ने क्या पूछा, बोले भगवान होकर जब ऐसा कर सकते हैं, तो एक सामान्य संसारी यदि ऐसा कर दे, तो फिर समाज उस पर उंगली क्यों उठाता है? मैंने कहा, प्यारे बड़ा अच्छा प्रश्न किया तुमने,
तूने आज की कथा में रुक्मिणी हरण रुक्मिणी मंगल की कथा बड़े प्यार से सुनी, लेकिन तूने ये नहीं सुना कि जिन भगवान कृष्ण ने रुक्मिणी जी का हरण किया, उन्हीं भगवान कृष्ण ने 7 वर्ष की आयु में 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज को 7 दिन 7 रात्रि पर्यंत अपने नख पर धारण किया, ये कथा नहीं सुनी? अरे जिन भगवान श्री कृष्ण ने, ध्यान देना मेरे श्रोताओं, और रुक्मिणी जी का हरण किया, हरण करके पाणिग्रहण किया, उन्हीं भगवान श्री कृष्ण ने काली नाग के शतफण पर तंडव नृत्य किया है। कृष्ण लीला पर आक्षेप उंगली उठाते हो, लाज नहीं आती, शर्म नहीं आती? वो कौन है श्री कृष्ण, वो परमात्मा भगवान कौन है? कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ है। श्री कृष्ण की लीला है और राम के चरित्र है। कृष्ण की लीला अनुकरणीय नहीं है, राम के चरित्र अनुकरणीय है। कृष्ण की लीला चिंतनीय है, मननीय है। कृष्ण की लीला का केवल चिंतन करो, मनन करो, अनुसरण नहीं। हां एक बात कह दूं, एक कृष्ण ने किया और एक कृष्ण ने कहा, दोनों में अंतर है। किया माने लीला और कहा माने ज्ञान। श्रीमद् भागवत में श्री कृष्ण ने जो लीलाएं की हैं वो केवल चिंतनीय मननीय है, और श्रीमद् भागवत गीता में जो कृष्ण ने कहा है वो अनुकरणीय है, वो अनुकरणीय है। इसलिए कृष्ण की लीला है और श्री राम के चरित्र है। धन्य है आज प्रभु को गिरधारी बनकर के गिरिराज को धारण किया। इंद्र के मान का मर्दन हुआ और देवराज इंद्र ने 10 श्लोकों में भगवान की यहां पर सुंदर स्तुति की है। विशुद्ध सत्वम तव धाम शांतम तपोमयम ध्वस्त रजस्तमस्कम मायामयोयम गुण संप्रवास न विद्यते ते ग्रहणानुबंध। देवराज इंद्र ने सज्जनों गिरधारी प्रभु की स्तुति करते हुए कहा है, प्रभु आपका जो स्वरूप है विशुद्ध सत्वमय है, रजोगुण और तमोगुण से परे है, मायातीत है। हे माया के पति, मैं आपको कोटि कोटि वंदन करता हूं। देवराज इंद्र ने स्वर्ग से लाई हुई सुरवी गाय के दूध से भगवान को अभिषिक्त किया है। आज भगवान का एक नाम और पड़ गया, एक बार जय जयकार करें, गोविंद भगवान के जय। भगवान के एक एक नाम के अर्थ हैं। आज गोविंद नाम पड़ा, क्यों पड़ा? गाह विंदयति, जो इंद्र के सुरभि गाय के दूध से अभिषिक्त हुए हैं इसलिए उनका नाम गोविंद पड़ा है। हम लोग भगवान का नाम तो लेते हैं लेकिन नाम के अर्थ को कभी नहीं जानने का प्रयास करते, केवल कीर्तन करते रहते हैं। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे। कौन है अच्युत? अच्युत कहते हैं नाच्यवती स्वरूपा, वह जो अपने स्वरूप से कभी च्युत नहीं होते, एक रूप एक रस एक रंग रहते हैं, 16108 महारानियों के साथ रहते हुए भी अच्युत बने रहते हैं, वो कौन है? श्री कृष्ण अच्युत। कौन है केशव? केशव कहते हैं क ब्रह्मा ईश रुद्र वयति प्रशासयति, जो ब्रह्मा और शिव के ऊपर भी प्रशासन करते हैं, वो कौन है? केशव। राम तो सुन चुके हैं कल, रमन्ते योगिनो यस्मिन्,
वासुदेव कौन है? वासुदेव कहते हैं वसति थी वासु दिव्यते प्रकाशते, जो प्राणी मात्र के हृदय में विराज करके सबको प्रकाश देते हैं, प्रकाशित करते हैं, उनका नाम है वासुदेव। देवराज इंद्र के मान का मर्दन हुआ, ऐसे गिरधारी आज भी हमको दर्शन दे रहे हैं गिरिराज के रूप में। एक बार गिरिराज की परिक्रमा जीवन में अवश्य देनी चाहिए, हमारे ब्रजवासियों के प्रत्यक्ष देव हैं। जय जयकार करें श्री गिरिराज महाराज की जय। गोवर्धन्नाति शुकाचार्य भगवान ने कथा प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए एक अध्याय में वैकुंठ की कथा को सुनाया। नंद बाबा ने श्री कृष्ण का वरुण लोक में दर्शन किया, सब ग्वाल वालों को भगवान ने वैकुंठ का दर्शन कराया है, ऐसी कथा भागवत में। शरद आई है और इस शरद में राजा परीक्षित भगवान ने अनंत अनंत गोपियों के साथ महारास लीला की है। महारास लीला देखो आप लोग श्रीमद् भागवत के उस मार्मिक प्रसंग में प्रवेश कर रहे हैं। राधे राधे राजकमल जी, भागवत का एक ऐसा मार्मिक प्रसंग है, नाम है महारास लीला कथा। लेकिन महारास लीला कथा में प्रवेश करने से पूर्व उसकी पृष्ठभूमि को, उसकी भूमिका को समझना होगा। जिसे आप सुनने जा रहे हो श्रोताओं, वो भागवत जी का प्राण है और उसे सुनने के लिए हमको पात्र बनना पड़ेगा, अधिकारी बनना पड़ेगा। आप लोग पूछेंगे महारास लीला कथा को सुनने के अधिकारी कैसे और कब बनेंगे? तो सुन लें दो चार बार। बोले प्रथम सुने भागवत भक्त मुख भगवत वाणी, द्वितीय अराधे भक्ति व्यास नव भांति बखानी, तृतीय करें गुरु समुझे दक्ष सर्वज्ञ रसीलो, चौथे हो ये विरक्ति बसे बनराज बसीलो, तो पांचे भूले देह सुधी तब छठे भावना रास की, साते पावे रीत रस श्री स्वामी हरिदास की। दो चार बातें बड़े ध्यान पूर्वक सुन लें। महारास लीला कथा में प्रवेश करने से पूर्व पहली बात कौन सी है? प्रथम सुने भागवत, भागवत जी की कथा सुने, लेकिन किससे सुने, कैसे सुने, कंडीशन। ये भागवत भगवान की वाणी है, भगवता प्रोक्तम, जो भगवान ने कही है उसी को तो भागवत कहते हैं। भगवान की वाणी भागवत को किसी भागवत के द्वारा सुने, आप लोग समझे ही नहीं। अरे भागवत शब्द का एक और अर्थ होता है, भागवत माने भक्त, किसी वैष्णव भक्त के द्वारा भागवत को सुने, इस कथा को सुने। भागवत जी के महात्म में लिखा है विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत। आजकल क्या हो रहा है बोलो? मुझे नहीं कहना, नहीं कहना। व्यास पीठ पर बैठने का अधिकार किसको है, किसको भागवत कथा सुनाने का अधिकार है, ये भागवत जी के महात्म में लिखा है। आज आवश्यकता है भागवत की आचार संहिता का,
भागवत जी की भी आचार संहिता बननी चाहिए, होनी चाहिए। किसको अधिकार है और किसको अधिकार नहीं, एक कहने का अधिकार किसको? विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत। पहली बात है विरक्त होना चाहिए कहने वाला वक्ता। विरक्त से तात्पर्य थोड़ी संसार के प्रति आसक्ति नहीं होनी चाहिए, अथवा ये कहो विरक्त कौन जो विशेष रूपेण अनुरक्त है गोविंद परमात्मा के प्रति, जिसका एक अटैचमेंट है परमात्मा भगवान से विशेष रूप से, वो है विरक्त। वैष्णव होना चाहिए। ध्यान देना मेरे श्रोताओं, कौन होना चाहिए बोलो ना। विष्णु दीक्षा विहीनानाम नाधिकारक कथाश्रवे। जब तक वैष्णव नहीं बनेंगे तब तक सुनने का अधिकार नहीं और तब तक कहने का अधिकार नहीं। और वैष्णव कौन है बीच में कह दूं, जिसके सिर पर ऊर्ध्वपुंड तिलक है, गले में तुलसी है, हृदय में नारायण है, वो वैष्णव है। वैष्णव कौन है जो स्वयं अमानी बनकर दूसरों को मान देता है, वो वैष्णव है। प्रणादपि सुनी चेनो तरोरपि सहिष्णुना अमानीनो मानदेन कीर्तन्यः सदा हरि। जो तिनके से भी छोटा बन जाए, स्वयं अमानी दूसरों को मान, वो वैष्णव। दूसरी बात, द्वितीय अराधे भक्ति व्यास नव भांति बकान। नवदा भक्ति में से किसी एक भक्ति का आश्रय ले ले। तीसरी बात, तृतीय करें गुरु समुझे दक्ष सर्वज्ञ रसीलो। जीवन में गुरु होना ही चाहिए, गुरु का वर्ण करें। ए दुनिया वालों कान खोल करके सुन लो, पानी पीजे छानिए और गुरु कीजे जानिए। हम बड़े जल्दी आकृष्ट हो जाते हैं, हा? गुरु कैसे होने चाहिए, कहां जाना चाहिए, कहां हमको शरणागत होना चाहिए, प्रपन्न होना चाहिए, यह भी शास्त्रों में वर्णन है। बहुत जल्दी करते हैं हम लोग शरणागति। किसकी लेनी चाहिए और किसकी नहीं लेनी चाहिए, गुरु कैसा हो, दृष्टांत और दृष्टांत देने में कुशल हो, सरस हो, ज्ञानी हो, सर्वज्ञ हो। तृतीय करें गुरु समुझी दक्ष सर्वज्ञ रसीलो। केवल ज्ञानी ही नहीं, रसिक भी हो थोड़ा। चौथे हो ये विरक्ति बसे बनराज बसीलो। महाराज लीला कथा के सुनने के अधिकारी, चौथी बात, संसार से थोड़ी विरक्ति आ जाए, मैं और मेरे के बंधन से थोड़ी सी मुक्ति मिल जाए, तब अधिकारी बनेंगे। लेकिन पांचवी बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझ में आ गई तो ये कथा, ये महाराज लीला कथा अंदर उतर जाएगी। और पांचवी बात कौन सी है? बोले पांचे भूले देह सुधी तब छटे भावना रास की। शरीर से ऊपर उठना पड़ेगा, देह सुध भुलाना पड़ेगा। सीधी बात कह दूं, जो देहाभिमान है, देहाध्यास है, इससे निवृत्त होना पड़ेगा। ये भूलना होगा कि हम कौन हैं, कि हम पुरुष हैं या हम स्त्री हैं। अब लोग पूछ लेंगे, महाराज यदि हम ये भूल गए, प्रेम से बोलो राधे राधे, हम पुरुष हैं और हम ये भूल गई हम स्त्रियां हैं, तो सुनने के लिए कुछ तो बनना ही पड़ेगा। क्या बने? बोले गोपी बनना पड़ेगा।
माताएं सोच रही हैं, देवियां सोच रही हैं, एक गोपियां भी तो स्त्रियां थी। नहीं, गोपी स्त्री नहीं है। गोपी कौन है कि सुनना है हमें, समझना है। गोपी गोवी इंद्रियई कृष्ण रसम पिबती, जो अपनी एकादश इंद्रियों से सर्वदा केवल कृष्ण नाम, कृष्ण रूप, कृष्ण लीला, कृष्ण धाम का पान करती हैं, उनका नाम है गोपी। गोपी किसी श्रृंगार का नाम नहीं है, गोपी एक भाव का नाम है, भाव का नाम। महाराज लीला कथा सुनने के लिए हमको गोपी भाव में आना ही पड़ेगा, गोपी बनना पड़ेगा। भगवान श्री नंद नंदन नंदालय में अपनी शैया पर शयन कर रहे हैं। शरद ऋतु, शरद का वह पूर्ण चंद्र की पूर्ण चंद्रिका, शरद का चंद्रमा आप सब दर्शन करते हैं, बोलो ना, वो पूर्ण चंद्र, उसकी शीतलता, वो पूर्ण चंद्र की चंद्रिका छिटकती हुई गवाक्ष का भेदन करते पहुंच गई कहां, शयन करते हुए लालजी के कपोल पर पहुंच गई। मानो शरद पूर्ण के पूर्ण चंद्रमा ने आज लालजी को उत्थापित किया कि प्रभु उठिए, जरा एक बार मुझे निहारिए। नंद नंदन उठे हैं, ऊपर देखा, क्या देखा, शुकाचार्य भगवान दर्शन करा रहे हैं। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तुं मनस्सक्रे योगमायामुपाश्रितः। ध्यान देना मेरे श्रोताओं, भगवान ने पूर्ण चंद्रमा का दर्शन किया, रात्रि को देखा, आज भगवान ने उस रात्रि को देखकर पूर्ण चंद्र का दर्शन करके भगवान अपि संकल्प लिया, क्यों ना आज इस रात्रि में महारास करूं गोपियों के साथ। पर महारास के बहाने उस अभिमानी कामदेव के मान का मर्दन करूं। पीछे वाले जो श्रोता हैं जरा गंभीर होकर के बैठे, आप लोग महाराज लीला कथा सुन रहे हैं। भगवान अपि तारात्रि, बहुत सारी रात्रियां प्रतीक्षा कर रही हैं आज, बहुवचन है यहां पर। रात तो एक होती है, फिर तारात्रि क्यों? तारात्रि इसलिए, जिन ब्रजकुमारी गोपियों को कल कथा सुन रहे थे आश्वासन दिया था, प्रतीक्षा करना, आऊंगा तुम्हारे साथ विहार करूंगा, ऐसी एक रात्रि नहीं अनेक रात्रियां प्रतीक्षा में। अच्छा, ये रात्रि कौन सी है? ये आप लोगों वाली रातें नहीं है, प्रेम से बोलो राधे राधे राधे। ये रात कौन सी है? या निशाम सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी, जिन रातों में भोगी सोते हैं योगी जागते हैं, वो रात्रियां हैं, वो रात्रियां, तारात्रि। शरदोत्फुल्ल मल्लिका, आज प्रकृति ने अपना श्रृंगार किया है। प्रकृति क्यों ना श्रृंगार करे, क्योंकि पुरुष आने वाले हैं, परम पुरुष केवल मात्र श्री कृष्ण हैं। रात्रि के समय मल्लिका के पुष्प आज पुष्पित हो गए, रात्रि के समय शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तुं मनश्चक्रे। देखो, श्रुति कहती है, वेद भगवान कहते हैं, वो परमात्मा भगवान अमना है, उनका अपना मन नहीं, मन किसका, हम संसारियों का। लेकिन उन अमना ने विक्षरन्तुं मनश्चक्रे अपना मन बनाया, काहे का मन, महाराज करने का।
गोपियों के साथ नृत्य करो महाराज, विक्षरण दो। और मन भी कैसा बनाया, निर्विकारक मन, निर्विकारक चंद्रमा मनशो जातक चक्षु, जिस मन में कोई विकार नहीं, कोई वासना नहीं, तो वासना रहित मन का निर्माण किया श्री कृष्ण। योग मायाम उपाश्रित, भगवान ने पूरे बांस की वंशी का आश्रय लिया। देखो भगवान के पास तीन बांसुरी हैं, कितनी है बोलो ना, तीन। एक का नाम है मोहिनी, दूसरी का नाम है आकर्षणी और तीसरी का नाम है उन्मादिनी। तीनों को फेंटे में कस लिया और नंदनंदन कहां पहुंचे, इसी शिधाम वृंदावन में ही। यमुना पुलिन कलकल करती कल्लोलवंतनी कालिंदी, यमुना के तीर पर त्रिभंग ललित बन गए प्रभु, त्रिभंग ललित। योग माया उपाश्रित, राधायाम उपाश्रित। श्रोताओ बहुत ध्यान से सुनिएगा, दुनिया को आश्रय देने वाले ऐसे परमात्मा भगवान श्री कृष्ण इस वृंदावन में आश्रय मांग रहे हैं, आश्रय मांग रहे हैं। और किससे मांग रहे हैं, किसी और से नहीं, अपनी आह्लादनी शक्ति ब्रजभानुनंदिनी कीर्ति कुमारी रास रासेश्वरी प्रिया श्री किशोरी राधा रानी जी से आश्रय मांग रहे हैं। हे किशोरी जू, जब तक आप नहीं तब तक महाराज संभव नहीं है। योग मायाम उपाश्रित, श्री राधा कौन है, श्री कृष्ण की आत्मा का नाम ही है राधा। मैं अक्सर कहा करता हूं भैया, भगवान श्री कृष्ण तो केवल देना ही जानते हैं, लेकिन राधा रानी कौन है, बोले राधा रानी केवल देती नहीं है, वो तो बरसाती है, क्योंकि बरसाने वाली जो है, बरसाने वाली। योग मायाम उपाश्रित, मुरलयाम उपाश्रित। पूरे बांस की बांसुरी को भगवान ने अदर अर्पित कर लिया है। वंशी को कहा, अरे ओ बांसुरी, एक मेरा आज काम करना। बांसुरी ने कहा, मानो प्रभु आदेश कीजिए। अब देखो श्री कृष्ण वंशी को क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। ब्रज जीवन ओठन को तकिया, कर फूलन सेज बिछावत है, अति कोमल सुंदर सेज मनो, अलकावली पवन डुलावत है, अंगुरिन ते चापत पाय जही, यह तो न मोद न लावत है, इतने सुख सो मतवारी अरी, वंसरी तो है चैन नावत है, वंशरी तो है चैन नावत है। भगवान ने वंशी को कहा, अरे ओ वंशी, ओठों का सिराना दिया, अपनी घुंघराली अलका वलियों से तेरी हवा की, कोमल कोमल उंगलियों से तेरे चरण दबाए, क्या आज तू मेरा काम नहीं करेगी, आदेश कीजिए भगवान। ऐसी बज ले आ सांप गोपियों को। और कहते कहते भगवान नंदनंदन त्रिभंग ललित श्री कृष्ण ने उस पोले बांस की बांसुरी में मारी फूंक, बज उठी आज बांसुरी शिधाम वृंदावन में बज उठी।
जगौ कलम माम दृशाम मनोहरम। ऐसी फूंक हमारी बजी, वंशी बजी तो हुआ क्या। आओ चले एक बार हम बड़े भाव से, ओरे मुरलिया हरि की, रे मुरलिया हरि की, मधुवन में धूम मचा। मधुबन में धूम मचाई, मुरलिया हर की मधुबन में धूम मचाई, रे मुरलिया हर की मधुबन में धूम मचाई, मुरलिया हर की मधुबन में धूम मचाई, मुरलिया हर की मधुबन में धूम हर की मधुबन में धूम मचाई, मुरलिया हर की मधुबन में धूम मचाई। जय हो वृंदावन में वंशी बाजी तीन भुवन धुन छाई, 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 हाँ वृंदावन में वंशी बाजी तीन भुवन धुन छाई, वृंदावन में बंसी बाजी तीन भवन धुन छाई, और वीणा नारद जी दौड़े शिव समाधि बिसराई, वीणा नारद जी दौड़े शिव समाधि बिसराई, मुरलिया हर की मधुबन में धूम मचाई, मुरलिया हर की मधुबन में धूम मचाई, मधुबन में धूम मचा, मुरलिया हर की मधुबन में धूम मचा। वंशी को सुन कर
क्या दशा हुई गोपियों की, बड़े सुंदर भाव थे, क्या क्या हुआ, गजब हो गया। जैसे तैसे उल्टे सीधे गृह कारज बिसराई, जैसे तैसे उल्टे सीधे गृह कारज बिसराई, अरे जैसे तैसे उल्टे सीधे गृह कारज बिसराई, जैसे तैसे उल्टे सीधे गृह कारज बिसराई, अरे जैसे तैसे उल्टे सीधे गृह कारज बिसराई, जैसे तैसे उल्टे सीधे गृह कारज बिसराई, और उल्टे कर श्रृंगार गोपियां वंशीवट पे आई, अरे उल्टे कर श्रृंगार गोपियां वंशीवट पे आई, मुरलिया हर की मधुबन में धूम मचाई, मुरलिया हर की मधुबन में धूम मचाई, मुरलिया हर की मधुबन में धूम मचाई, ओ मुरलिया हर की मधुबन में धूम मचाई। भोजन बनाते बनाते बोले बांस की बांसुरी पहुंच गई इस गोपी के कान में, क्या हुआ, दर्शन करो, खीर में नमक दाल में शक्कर मक्खन में मिर्चाई, खीर में नमक दाल में शक्कर मक्खन में मिर्चाई, खीर में नमक दाल में शक्कर मक्खन में मिर्चाई, खीर में नमक दाल में शक्कर मक्खन में मिर्चाई, खीर में नमक दाल में शक्कर मक्खन में मिर्चाई, खीर में नमक दाल में शक्कर मक्खन में मिर्चाई, अरे खीर में नमक दाल में शक्कर मक्खन में मिर्चाई, ये खीर में नमक दाल में शक्कर मक्खन में मिर्चाई, और गऊ को साग ससुर को भूसी ऐसी मत बोराई, गऊ को साग ससुर को भूसी ऐसी मत बोराई, मुरलिया हर की मधुबन में धूम मचाई, मुरलिया हर की मधुबन में धूम मचाई, मुरलिया हर की मधुबन में धूम मचाई, मुरलिया हर की मधुबन में धूम मचाई। सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया साहब, रसोई घर में भोजन बना रही थी, हुआ क्या, ससुर जी भोजन पा रहे थे बैठे बैठे, पतिदेव गौशाला में गौ सेवा में लगे थे, ससुर जी ने कहा अरे बहुरानी जरा रोटी तो लाओ, इतने में आवाज आई अरे भूसा कहाँ रखा है, पति की आवाज सुनी, बंशी जैसे कानों में पहुंची तो क्या हुआ, गौ को साग ससुर को भूसी ऐसी मत बोराई, गौ को साग ससुर को भूसी ऐसी मत बोराई, मुरलिया हर की मधुबन में धूम मचाई, मुरलिया हर की मधुबन में धूम मचाई। Thank you.
एक गोपी। बहुत सुंदर भाव है, ध्यान पूर्वक सुनिएगा। एक गोपी दर्पण के आगे बैठकर श्रृंगार कर रही थी। अब अचानक श्रृंगार करते करते वंशी पहुंच गई कान में, वंशी की ध्वनि। तो क्या हुआ, गजब हो गया। पग में पहुंची, हाथ में पायल, कान में नथनी सजाई। पग में पहुंची, हाथ में पायल, कान में नथनी सजाई। पग में पहुंची, हाथ में पायल, कान में नथनी सजाई। पग में पहुंची, हाथ में पायल, कान में नथनी सजाई। ओ पग में पहुंची, हाथ में पायल, कान में नथनी सजाई। पग में पहुंची, हाथ में पायल, कान में नथनी सजाई। नयन महाबर कर अंजन बिंदी कपोल चिपकाई। नयन महाबर कपोल चिपकाई। मुरलिया हर की मधुवन ने धो मचाई। मुरलिया हर की मधुवन में धूम मचाई। मुरलिया हर की मधुवन में धूम मचाई। हो मुरलिया हर की मधुवन में धूम मचाई। मुरलिया हर की मधुवन में धूम मचाई। मुरलिया हर की मधुबन 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 में धूम मचाई। मुरलिया हर की उल्टा हो गया। यह है श्री कृष्ण की बांसुरी। बोलो ना कैसा श्रृंगार किया इन गोपियों ने। बोले हाथ को कंगन पायन में, हाथ को कंगन पायन में, और पांव की पायल हाथ संभारी। भाल की बेंदी कपोलन पे, और काजल एक आंख अंधारी। तो नाक की बेसर कानन में, तो कानी की बारी ये नाक संभारी। तो लहंगा ओढ़ के ओढ़ना बांध के, प्यारे समी चली ब्रजना। सब उल्टा पुल्टा हो गया। ये क्या है? यह है विशुद्ध प्रेम का दर्शन। प्रेम की जहां पराकाष्ठा है, वहां गति और मति विपरीत हो जाती है। नहीं बोलो ना। प्रेम दशायाम श्री वचन भूषणम में आचार्य पाद लिखते हैं, प्रेम दशायाम विपरीते नैक तिष्ठम। जहां विशुद्ध प्रेम की पराकाष्ठा है, वहां गति मति सब विपरीत हो जाया करती है। जो जो गोपी जिस जिस काम में लगी थी छोड़कर दौड़ी है, जो गोपी, बहुत ध्यान पूर्वक सुनिएगा, ये महाराज लीला कथा सुन रहे हैं आप लोग। अपने घर को गोबर से लेपन कर रही थी, गोबर के सने हाथों से दौड़ी है। जो गोपी रसोई घर में लगी थी अपने काम काज में, अधूरा काम छोड़कर दौड़ी है। जो गोपी बच्चे को दूध पिला रही थी,
उस बालक को गोदी से उतार कर दौड़ी है यमुना तटवंशी वट के लिए। एक गोपी अपने पति की सेवा कर रही थी, वंशी कानों में पहुंची, छोड़कर पति सेवा को जो निकली घर से बाहर, पति की आंखें खुल गई, दौड़कर पकड़ लिया। कहां जा रही हो, लाज नहीं आती? मैंने पूछा कहां जा रही थी। अब क्या बोले, कैसे बोले? और इस पति ने क्या किया, अपनी उस पत्नी को, गोपी को घसीट कर ले आया, एक कक्ष में धक्का दिया, दरवाजा बंद कर दिया, ताला बंद कर दिया। पति को छोड़कर, सास ससुर को छोड़कर, बच्चों को छोड़कर मध्य रात्रि घर से बाहर निकलकर शर्म नहीं आती, पड़ी रहो यही तुम्हारा दंड है। जैसे ताले में बंद किया इस गोपी को, इस गोपी ने क्या किया, एक आसन बिछाया सज्जनों, पद्मासन में बैठ गई और बाहर खड़े हुए अपने पति को कहने लगी, श्रीमान जी आप मेरे से बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन एक बात कहूं, आप मेरे से प्रेम नहीं करते, आपका प्रेम मेरे शरीर के प्रति है। मैं कौन हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं चेतन आत्मा हूं। शरीर आपका हो सकता है, शरीर के मालिक भोक्ता आप हैं, लीजिए शरीर को आप भोगिए, मैं तो अपने आत्मीय गोविंद गोविंद की हूं, क्योंकि मैं चेतन आत्मा हूं। और कहते कहते इस गोपी ने अपने देह का अवसान किया और आत्मा से पहुंच गई, आत्मीय गोविंद त्रिभंग ललित श्री कृष्ण के चरणों में पहुंच गई, श्री कृष्ण के चरण। यह प्रेम का दर्शन। एक बात कहूं, यदि हम आपसे पूछें आप सब कौन हैं, आपका अपना परिचय क्या है, व्हाट इज योर इंट्रोडक्शन, तो आप अपना नाम बोलते हैं, अपना टाइटल बोलते हैं, मैं गुप्ता हूं, वर्मा हूं, शर्मा हूं, अग्रवाल हूं, नहीं अपना परिचय देते हैं आप लोग टाइटल नाम बोलते हुए। ये परिचय आपका नहीं है, आपके शरीर का परिचय है। ये जितने भी टाइटल हैं, गुप्ता, शर्मा, वर्मा, ये आपके शरीर के हैं, आपके नाम के साथ टाइटल हैं, लेकिन आपके टाइटल नहीं, ये आपका परिचय नहीं है। यदि हम शरीर होते, ध्यान देना, यदि हम शरीर होते तो प्राण निकल जाने के बाद, एक वो चेतना निकल जाने के बाद आंखें क्यों नहीं देख पाती, बोलो ना, कान क्यों नहीं सुन पाते, पांव क्यों नहीं चल पाते, इसका मतलब हम शरीर नहीं हैं, हम कौन, चेतन आत्मा है। और आत्मा का कोई टाइटल नहीं होता, आत्मा का कोई नाम नहीं होता, आत्मा का कोई लिंग नहीं होता, आत्मा की कोई उपाधि नहीं होती। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणी, नैनम दहति पावको, न चैनम क्लेदयन्त्यापो, न शोषयति मारुतः, गीता। आत्मा तो नित्य है, चैतन्य है, उपाधि शरीर की है, आत्मा की नहीं है। इसका सीधा मतलब हम लोग समझ लें, हम जितने भी सभागार में बैठे हैं, ओ दुनिया वालों, हमारा सच्चा परिचय यही है, वी ऑल आर सोल। हम सब कौन हैं, हम सब चेतन आत्मा हैं। यदि ये बात समझ में आ गई, हम चेतन आत्मा हैं, तो आपको कह दूं, आत्मा को ना सुख होता है, ना आत्मा को दुख होता है, ना आत्मा को यश मिलता है, ना आत्मा को अपयश मिलता है, वो तो निर्विकारक है। हमारा जीवन आनंद में हो जाएगा, सुख में हो जाएगा। इसका नाम है स्वरूप ज्ञान, स्वरूप ज्ञान, अपने स्वरूप का आभास हो। हुँ?
ब्रज की गोपियों के यूथ आए हैं श्री धाम वृंदावन यमुना के तट पर। आहा, मेरे गोपाल ने, श्याम सुंदर, मुरली मनोहर ने इन समस्त समागत गोपियों का ऐसे भुजा फैलाकर स्वागत किया है। स्वागतम वो महाभागा, स्वागतम वो महाभागा, प्रियं किं करिवाणि वा ब्रजस्यानामयं कच्चिद् ब्रूतागमन कारणम्। महाभागा सुस्वागतम, आगमन कारणम ब्रूत। ध्यान दीजिए श्रोताओं, श्री कृष्ण ने गोपियों को महाभागा कहकर संबोधन किया, तुम महाभागा हो। अरे कोई स्कूल, कोई कॉलेज, कोई यूनिवर्सिटी आपको टाइटल दे, सर्टिफिकेट दे, प्रमाण पत्र दे, उसमें क्या आश्चर्य है? मजा तब है, आश्चर्य तब है जब स्वयं परमात्मा भगवान हमको उपाधि दे। आज श्री कृष्ण ने इन ब्रज की गंवार अनपढ़ गोपियों को महाभागा कहा। महाभागा, तुम महान भाग्यशाली हो। स्वागतम वो महाभागा, क्यों? ये गोपियां लोक धर्म को तिलांजलि देकर, लोक धर्मों को भूलकर, पुत्र पुत्र आदि संसार को भूलकर अपने प्राप्तव्य गोविंद के लिए आई हैं, पतित हुई हैं। संसार के धरातल पर यदि पतित होगे, गिरोगे, तो केवल और केवल आपको दोष लगेगा, अपयश मिलेगा। ध्यान दीजिए, संसार के, दुनिया के धरातल पर यदि पतित होगे तो अपयश मिलेगा, लेकिन गोविंद के चरणों में पतित हो गए तो अपयश नहीं, जीवन महाभाग्यशाली बन जाएगा, महाभागी बन जाएगा। भगवान ने पूछा, कैसे आई हो, तुम्हारे पति कहां है, बच्चे? गोपाल, श्याम सुंदर, आपकी बांसुरी को सुन करके हम आई हैं, सब कुछ भूल करके। भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों को यहां पर सुंदर उपदेश दिया है। रजनीशा घोर रूपा घोर सत्व निषेविता प्रत्यात ब्रजम नेह स्थेयम स्त्री भी सुमध्यमा। अरे गोपियों, रात्रि का समय है और यहां बड़े बड़े हिंसक हैं, ये निर्जन है वृंदावन यमुना का तट, लौट जाओ, प्रतियात ब्रजम, अपने अपने घर लौट जाओ। कौन कह रहे हैं? श्री कृष्ण। तुम कौन हो? तुम पतिव्रता हो और तुम्हारा धर्म कर्तव्य एक ही है, पति की सेवा करना, बच्चों का पालन पोषण करना, सास ससुर की सेवा करना, यही तुम्हारा धर्म है। मानस में बाबा तुलसी ने भी यही भाव व्यक्त किए ना, एक ही धर्म एक व्रत नेमा काय वचन मन पति पद प्रेम। एक नारी के लिए, स्त्री के लिए ध्यान देना माताओं, देवियों, एक ही व्रत है, एक ही पूजा है, एक ही नियम है, एक ही साधना है, एक ही उपासना है कि मनसा वाचा और कर्मणा पति के चरणों के प्रति उसका अनुराग हो, उसकी सेवा हो, उसकी आज्ञा का पालन। कोई नारी लाख भजन करे, पाठ करे, पूजा करे, तीर्थ यात्रा करे, वृंदावन बिहारी जी का दर्शन करे और पति की अवमानना करे, अवज्ञा करे, सब कुछ उसका व्यर्थ हो जाएगा, बेकार हो जाएगा।
एक ही व्रत, पति के चरणों के प्रति उसका समर्पण होना चाहिए, त्याग होना चाहिए। आज दाम्पत्य जीवन में देखा जाता है साहब, देखा जाता है ये दाम्पत्य जीवन क्या है। दाम्पत्य जीवन जहां पर कॉम्प्रोमाइज है और जहां सेक्रीफाइस है वो है दाम्पत्य। परस्पर कॉम्प्रोमाइज हो, एक दूसरे के प्रति सेक्रीफाइस हो, त्याग हो, बलिदान हो, वही दाम्पत्य जीवन सफल हो पाता है। अन्यथा आज चारों ओर आप देखें, भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों को सावधान किया, प्रतियात ब्रजम, लौट जाओ, अपने अपने पतियों की सेवा करो, सास ससुर की सेवा करो। गोपियां प्रेम के आवेश में आ गई और प्रेमावेश में आकर के इन ब्रज की गोपियों ने कहा, श्याम सुंदर वंशी को बजाकर पहले हम सबको बुला लिया, आपकी वंशी को सुनकर हम सब लोक धर्म भूल करके आपके चरण शरण में आ गईं और आप कहते हो हम लौट जाएं। भागवत में ये प्रणय गीत है। गोपियों ने क्या कहा, मैवं विभोरहति भवान् गदितुं नशंसं सर्वस्व सर्वविषयांस्तव पादमूलम् भक्ता भजस्व दुरवग्रहमात्यजास्मान् देवो यथादिपुरुषो भजते मुमुक्षुन्। मैवं विभोरहति भवान् गदितुं निशंसम्। प्रेमावेश में आकर गोपियों ने कह दिया, श्याम सुंदर आप जैसा कोई नृशंस हो नहीं सकता। क्या कहा भगवान को बोलो ना, नृशंस कहा। नृशंस मालूम है नृशंस माने क्या होता है, जिसमें दया नहीं, जो किसी की भावनाओं का हत्या करने वाला हो, हत्यारा हो, उसको कहते हैं नृशंस। प्रेमावेश में आकर गोपियों ने परमात्मा भगवान को, प्रेम में वो शक्ति है जो परमात्मा को भी धन्य है और भगवान सुन रहे हैं, सब कुछ भूल करके आपकी चरण शरण में आई और आप कहते हो हम लौट जाएं। और श्याम सुंदर हम लौट करके जाएं तो जाएं कहां, यदि तुम्हारे कहे अनुसार हम लौट कर चली भी गई तो हमारे पास अपना एक मन है, वो मन आपके पास हमने दे दिया, अब हम बिना मन के यदि घर चली गई तो व्यर्थ है, बेकार है घर जाना। हे श्याम सुंदर हमारी यहां आने की शक्ति तो थी पांव में, लेकिन लौटने की शक्ति अब इन पांव में नहीं है। चित्तं सुखेन पहता अप्रतं गृहेषु यन्निर्विशत्युतकरा वपिग्रहे कृत्ये पादौ पदं न चलस्तव पादमूला याम कथं ब्रजमथो करवाम किं वा। लौटने की शक्ति नहीं। सज्जनों यहां पर श्री कृष्ण ने गोपियों को एक दृष्टांत सुनाया, हम लोग भी सुन लें। भगवान ने सोचा लाओ दृष्टांत के माध्यम से इन गोपियों को वापस कर दूं, परीक्षा ले लूं इनकी। गोपियों अच्छा आ गई हो तो बैठ जाओ यहां पर और सावधान होकर के सुनो, मैं कुछ कहना चाहता हूं। हाँ कहिए ना श्याम सुंदर, यही तो हम सुनने आई हैं। सब गोपियां बैठ गईं और श्री कृष्ण एक दृष्टांत सुनाने लगे। गोपियों एक पति और पत्नी थे, दोनों में बड़ा प्रेम था,
पति बड़े कर्मनिष्ठ थे, होम करने वाले। अब एक दिन क्या हुआ, होम कर्म नित्य कर्म से निवृत्त होकर के ये पति थकान थोड़ी हो गई, सामने पत्नी बैठी थी, पत्नी के गोद में सिर रख करके थोड़ा विश्राम की अवस्था में अचानक नींद आ गई, गहरी नींद आ गई। भगवान सुना रहे हैं, सुन रही हो? बोले श्याम सुंदर हम सुन रहे हैं, सुनाते जाइए। बार बार आवागमन ना करें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, गोपियों इन्हीं का एक बालक नन्ना मुन्ना 2 वर्ष का आंगन में खेल रहा था। अब खेलते 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 घुटनों के बल चलते चलते वो अल्पज्ञ, वो अबोध, वो नन्ना मुन्ना बालक पहुंच गया कहां? बोले यज्ञ कुंड की मेखलाओं तक पहुंच गया, जिस यज्ञ कुंड में अभी अग्नि शांत नहीं हुई थी। ये बैठी बैठी आंखों से देख रही है। मन में सोचा, कहीं ऐसा ना हो विधाता मेरा अबोध अल्पज्ञ ये बालक मेखलाओं पर चढ़ करके कहीं गिर ना जाए, अग्नि अभी शांत नहीं हुई है, लाओ उठूं और संभालूं अपने बच्चे को। अब जैसे ही उठने को हुई ना, दृष्टि पहुंची कहां, गोद में सोते हुए पति के ऊपर। मन में विचार किया, यदि मैं उठूंगी तो पति की नींद टूटेगी, मैं कौन हूं, पतिव्रता हूं। मन में निश्चय करने लगी, मेरा कर्तव्य क्या, मेरा धर्म क्या, पति सेवा या पुत्र की सेवा। निर्णय लेते हुए कि पति नहीं तो पुत्र कहां से, पहला धर्म है कि पति की निद्रा में कोई विक्षेप होना नहीं चाहिए। बैठी रही आंखों से चाहते हुए भी, आंखों से देखती रही लेकिन चाहते हुए भी उठ ना पाई। 2 वर्ष का बालक नन्हा मुन्ना मेखलाओं पर चढ़कर अचानक यज्ञ कुंड में धड़ाम से गिर गया। जो गिरा अंदर से चीख पड़ी, जो चीखी पति की आंखें खुल गई। क्या हुआ देवी, क्या हुआ, चीत्कार कैसी, ये चीख कैसी? स्वामी जरा देखो, हमारा बालक, हमारा पुत्र उस कुंड में गिर गया जहां अग्नि शांत नहीं। श्री कृष्ण ने कहा, गोपियों मालूम है क्या हुआ, आज इस देवी ने, इस गोपी ने, इस देवी ने अपने पातिव्रत धर्म का पालन किया, जिसका परिणाम फल वो अग्नि भक्षक बन रहते हुए भी रक्षक बन गए। एक आंच नहीं आई उस बच्चे को, एक आंच। भगवान ने कहा, गोपियों यही मैं तुमसे कहना चाहता हूं, तुम सब पतिव्रता हो, तुम्हारा पहला कर्तव्य धर्म है पति के चरणों की सेवा करना, जाओ प्रतियात ब्रजम, अपने अपने घर लौट जाओ। गोपियों ने जो सुना, श्याम सुंदर बड़ा सुंदर दृष्टांत सुनाया आपने, लेकिन अब हमारी भी तो बारी है। अच्छा तुम भी कुछ कहना चाहती हो, सुनाओ ना, सुनाओ क्या कहना चाहती हो। और सज्जनों आज गोपियों ने भी वैसा ही दृष्टांत श्री कृष्ण के आगे, श्याम सुंदर एक पति और पत्नी थे, वैसा ही दृष्टांत, बड़ा प्रेम था दोनों में। अब एक दिन श्रीमान जी अपने बिजनेस के काम से विदेश यात्रा को जाने को हुए, श्रीमती जी सामने आ गई, बोले आप विदेश जा रहे हैं, मैं अकेली कैसे रह पाऊंगी। श्रीमान जी ने पॉकेट से अपना एक फोटो निकाला, हाथ में रख दिया, ये मेरा ही प्रतिबिंब है, मेरी छाया है, जल्दी लौट करके आऊंगा, प्रतीक्षा करना। श्रीमान जी विदेश यात्रा के लिए चले गए। अभी श्रीमती जी क्या करती हैं, बोले जहां ठाकुर जी की पूजा है ना, पति परमेश्वर प्रेम से बोलो राधे राधे, पति परमेश्वर।
जहाँ ठाकुर जी की पूजा सेवा है वहाँ पति के फोटो को रख दिया, भगवान की भी पूजा करती है, पतिव्रता जो ठहरी पति की भी पूजा करती है। धीरे 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 समय बीता, एक दिन अभी तक नहीं आए, कहकर गए थे जल्दी लौटूंगा, अभी तक नहीं आए। एक दिन क्या हुआ, ये बैठी बैठी पूजा कर रही थी, पति के चित्रपट को निहार रही थी, सेवा कर रही थी, एकदम घर के दरवाजे पर बैल बजी, आवाज आई, दरवाजा खोलो। कौन? पति लौट करके आ गए। गोपियों ने श्री कृष्ण को प्रश्न कर दिया, श्याम सुंदर कुछ पूछ रहे हम आपसे? हाँ पूछो ना। ये देवी, ये श्रीमती अपने पति के चित्र की पूजा कर रही है, निहार रही है, और पति दरवाजे पर खड़ा होकर आवाज लगा रहा है, इसको क्या करना चाहिए? भगवान बोले, ये भी कोई पूछने की बात है? जब असली पति आ गया तो कागज के उस चित्र से क्या लेना देना, दौड़कर दरवाजा खोलेगी, गले मिलेगी अपने पति को। गोपियों ने कहा, श्याम सुंदर यही तो हम कहना चाहती हैं, ये दुनिया के जितने पति हैं वो कागज के पुतले हैं, असली पति तो केवल और केवल आप हैं। पाती थी पति, हम आपकी चरण शरण में आई हैं, उस दुनिया को भुला। दस श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों को समझाया, लेकिन 11 श्लोकों में गोपियों ने भगवान को ही उल्टा समझा दिया, ऐसा दृष्टांत दिया है। मतलब क्या हुआ? हाँ, सिद्धांत है, देह धर्म से ऊपर उठ करके है आत्मधर्म, आत्मधर्म सिद्धांत है। एक है देह धर्म, शरीर का धर्म, और दूसरा है आत्मा का धर्म, शारीरिक धर्म से भी ऊपर बढ़ करके है आत्मधर्म, आत्मा का धर्म। भगवान ने कहा, ठीक है गोपियों, मैं समझ गया तुम्हारे भाव को, प्रेम को, आओ हम सब मिलकर के महाराज करें। इतना सुनना था कि गोपियां आपस में ही कानाफूसी करने लगी, देखा सखी आ गए श्याम सुंदर हमारी बातों में, अब हम इनको नचाएंगी और ये बोलो ना नाचेंगे। अंतर्यामी भगवान ने कहा, दुनिया को नचाने वाले हैं हम और तुम हमें ही नचाने चली हो, तो लो नचाओ, हम तो चले। और तुरंत भगवान गोपियों के मध्य से अंतर्धान हो गए। तासां तत्सौभगमदं वीक्षमानं च केशव प्रशमाय प्रसादाय तत्रैवान्तरधीयत। गोपियों के मान का प्रशमन करने के लिए और राधा रानी की प्रसन्नता के लिए दो बातें ध्यान देना, बहुत गंभीर होकर सुनिए। प्रशमाय प्रसादाय, दो शब्द, गोपियों के इस मान का प्रशमन करने के लिए और प्रसादाय श्री राधा रानी की प्रसन्नता के लिए किशोरी जी को साथ लेकर भगवान अंतर्धान हो गए। यहां एक सूत्र निकल करके आया, भगवान कब दूर हो जाते हैं हमसे? ए दुनिया वालों सुन लो, जब जीवन में दो विकार आएंगे ना तो भगवान दूर चले जाएंगे, दूर। और वो दो विकार कौन से हैं? एक है मान और दूसरा है मद। जीवन में जब मान आएगा, जीवन में जब मद आएगा, तो भगवान हमसे विमुख हो, हम भगवान से विमुख हो जाएंगे। गोपियां श्री कृष्ण के विरह में व्याकुल होकर अन्वेषण करती हैं, खोजती हैं, क्या दशा हुई इन गोपियों की। एक एक वृक्षों से पूछती हैं, बोले कच्चिद कुरवकाशो
नाग पुन्नाग चंपका रामानुजो माननी नामी तो दर्प हरस्मित। एक एक वृक्ष का नाम लेकर गोपियां पूछ रही है, अरे अश्वत्थ जरा बताओ ना, हमारे श्याम सुंदर यहां से निकल करके गए, ओ बट तू तो बता दे वृक्ष का नाम। अरे अशोक हम गोपियां शोक आकुल हैं और तेरा नाम है अशोक, तू हमें शोक से मुक्ति दिला। एक गोपी कहती है अरे सखी ये वृक्ष नहीं बताएंगे, क्यों ये सीधे खड़े हैं, ये पुरुष जाति के हैं, ये हमारी जाति की स्त्री जाति की तुलसी है, ये जरूर बताएंगे। और गोपियों ने सज्जनों तुलसी को पूछा, बोले कच्चित तुलसी कल्याण गोविंद चरण प्रिय गोविंद चरण प्रिय। अरे ओ कल्याण को देने वाली, अरे ओ तुलसी तू तो उनको अत्यंत प्रिय है, तेरे बिना तो वो रहते ही नहीं है, जरा बता हमारे नंदलाला या इस मार्ग से निकल करके गए। हवा का झोंका आया, तुलसी ऐसे हिलने लगी, गोपियों ने देखा, देखा सखी मना कर रही है मैं नहीं बताऊंगी, ये क्यों बताने लगी, आखिर है हमारी सौत ये काहे को बताएगी, तुलसी कौन है, तुलसी तुला विष्णु ना लसती, जो विष्णु भगवान को नारायण को अत्यंत प्रिय हैं, हम भगवान से प्रेम करते हैं और भगवान तुलसी से प्रेम करते हैं, ना तुलसी के बिना रहते, और शालिग्राम जी की सेवा तो तुलसी के बिना तो अधूरी, नीचे भी तुलसी ऊपर भी तुलसी, ना कुछ खाते हैं ना पीते हैं, कौन है तुलसी आप सब जानते हैं, ये सती वृंदा है जो तुलसी के रूप में आई है। गोपियां आज श्री कृष्ण के विरह में व्याकुल होकर प्रेम की उस अंतिम अवस्था में पहुंच गई। देखो प्रेम की चार अवस्थाएं हैं, प्रेम की पहली अवस्था का नाम है तद्विचारावस्था। बहुत गंभीर होकर सुनिएगा, प्रेमी जिससे प्रेम करता है उसके विचारों में अवस्थित हो जाता है, ये प्रेम की पहली सीढ़ी है। प्रेम की दूसरी सीढ़ी का नाम है तन्मयता, जिससे प्रेम करता है ना प्रेमी उसमें तन्मय हो जाता है, वो तन्मयता तीसरी सीढ़ी पर पहुंचा देती है, और तीसरी सीढ़ी का नाम है तदाकारिता, फिर प्रेमी तदाकार हो जाता है प्रेमास्पद में। लेकिन चौथी सीढ़ी क्या है, चौथा सोपान क्या है, तदैकता, फिर प्रेमी प्रेमास्पद को अपने से विलग नहीं मानता, अलग नहीं मानता, फिर कहता है जो तू है वही मैं हूं, जो मैं हूं वही तू है। यह है चार सोपान प्रेम के। आज गोपियां प्रेम की उस अंतिम अवस्था में पहुंच गई, तदैक हो गई, और तदैक होकर श्री कृष्ण की एक एक लीलाओं का चिंतन करते हुए कोई बकासुर बन गई, कोई शकटासुर बन गई, कोई तृणावर्त बन गई, एक गोपी कृष्ण बन गई। प्रेम से बोलो राधे राधे। और कृष्ण बनी गोपी क्या कहती है, कृष्णो हौ पश्यत गतिं ललितामिति तन्मना, कृष्णो हम अहम कृष्ण, आओ मेरी शरण में आओ। देखो यहां बीच में आपको कह दूं, ये गोपियां कौन हैं, ये प्रेम की साकार मूर्ति हैं। प्रेम की परिभाषा क्या है, आज दुनिया वाले प्रेम 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 चिल्लाते हैं लेकिन प्रेम की परिभाषा को नहीं जानते, क्या डेफिनेशन है उस प्रेम की।
प्रेम की डेफिनेशन है, सुन ले हम लोग। तत्सुखे सुखित्वम, उनका सुख ही हमारा सुख है, यह है प्रेम की परिभाषा। और संसार में प्रेम कहां है साहब? विशुद्ध प्रेम नहीं है इस दुनिया में, नहीं। स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, संसार में प्रेम नहीं है, इस संसार में केवल और केवल वासना है। क्यों? प्रेम में और वासना में अंतर है। प्रेम केवल देना जानता है, लेना नहीं जानता। प्रेम में गिव है, टेक नहीं है। लेकिन संसार में बैठे मैं आसन पर विराजे विराजे, उपरंत उपरंत विराजे, बड़ी कृपा। विशुद्ध प्रेम का स्वरूप क्या है, ध्यान दीजिएगा। दुनिया में प्रेम नहीं है, यहां तो केवल और केवल वासना है। क्योंकि दुनिया वाले देते हैं तो लेने की भी बोलो ना चाह रखते हैं, नहीं? प्रेम में गिव है, टेक नहीं है। और एक बात कहूं, प्रेम की अपनी कोई जुबान नहीं होती है। झूठ बोलते हैं दुनिया के लोग, और मैं तो कहता हूं हम भारतवासियों को क्या हो गया, वो सनातन धर्मियों, सनातन धर्मावलंबियों, भारत के वासियों, आप भूल गए कि आप भारत के वासी हैं। जिस भारत की परिभाषा है भा ज्ञानवाचक, हो जो अपने ज्ञान में ज्ञान की खोज में रत है वो भारत, आप भारत के वासी हैं, उस देश के वासी हैं जहां गंगा यमुना बहती हैं, जहां राम कृष्ण आए, जहां बड़े बड़े ऋषि मुनि आए। आप अपनी भारतीय संस्कृति को भूल गए, अपने सनातन धर्म को भूल गए, और क्या कर रहे हैं? बोले पाश्चात्य की नकल कर रहे हैं, पाश्चात्य की। और उस पाश्चात्य की नकल में क्या कर रहे हैं बोलो? अब तो भारत में भी प्रेम पर्व मनाया जाता है साल में एक दिन, और वो दिन कौन सा है मेरे को नहीं मालूम, याद नहीं है डेट क्या है, पीछे वालों को याद है, सबको याद है। अच्छा, वो एक डेट आती है, वो एक एक एक, एक दिन आता है, और उस दिन का नाम है, मैंने सुना है, वैलेंटाइन डे। वैलेंटाइन डे, और उस वैलेंटाइन डे को केवल और केवल झूठ बोलते हैं, मैं तुमसे प्यार करता हूं, मैं तुमसे प्यार करता हूं। झूठ, सफेद झूठ, एकदम झूठ। अरे ओ प्यार करने वालों, प्रेम की जुबान होती नहीं है, तू क्या प्यार करेगा? प्रेम शब्दों का विषय नहीं, प्रेम तो आत्मा का विषय है, भीतर का विषय है। प्रेम का संबंध शरीर से नहीं, प्रेम का संबंध आत्मा से है। अभिव्यक्ति नहीं है प्रेम में, अभिव्यक्ति नहीं। पाश्चात्य की नकल कर रहे हैं। और ओ भारत के वासियों, ओ सनातनियों, अरे वो पाश्चात्य जगत भले ही एक दिन 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे मनावे, लेकिन ओ मेरे सनातन धर्मियों, भारतवासियों, अरे हिंदुओं, हमारा तो हर दिन हर पल हर क्षण प्रेम पर्व है, वैलेंटाइन डे है। उस वैलेंटाइन के नाम पर दुनिया के लोग वैलेंटाइन डे मनाते हैं, ये दुर्भाग्य है मैं तो कहूंगा भारतवासियों का। हर दिन हर पल है, प्रेम उत्सव मनाओ, प्रेम पर्व मनाओ, कौन मना करता है? प्रेम का संबंध शरीर से है, प्रेम का संबंध शरीर से नहीं आत्मा से है। प्रेम और वासना में यही अंतर है, प्रेम रोता है और वासना रुलाती है। फिर इसी बात, गोपियां तो प्रेम की साकार मूर्ति हैं,
आज श्री कृष्ण के विरह में व्याकुल होकर ब्रज गोपियां खोजती खोजती आगे बढ़ी हैं। अचानक क्या देखा, किशोरी राधा रानी को भगवान किशोरी जी को भी छोड़ करके अंतर्धान हो गए। क्यों? राधा रानी के मन में भी ये भाव आया कि इन गोपियों से मैं श्रेष्ठ हूं। श्याम सुंदर को कहा, श्याम, हाँ राधे, मैं चलते चलते थक गई हूं, मुझे अपने स्कंद पर बिठाकर ले चलिए ना। भगवान मुस्कुरा गए, समझ गए, लीजिए किशोरी जी बिराजिए। भगवान जैसे ही झुके, जो बैठने को हुई, भगवान अंतर्धान हो गए। किशोरी जी को भी यहां गोपियां राधा रानी को साथ लेकर के किशोरी जी के मुख से श्री कृष्ण के विरह में सज्जनों ये नाम निकले हैं, हा नाथ, हा नाथ रमण प्रेष्ठ, क्वासी क्वासी महाभुज, दास्यास्ते कृपणाया मे सखे दर्शय सन्निधि। ये राधा रानी के मुखारविंद से हा नाथ कहा। सज्जनों, वृंदावन में अप्रत्यक्ष अपरोक्ष रूप में गोपीनाथ प्रकट हो गए। रमण कहा तो राधा रमण जी प्रकट हो गए। हा प्रेष्ठ कहा तो स्वयं राधा वल्लभ प्रकट हो गए। हा महाभुज कहा तो ठाकुर श्री बांके बिहारी जी प्रकट हो गए। आज भी दर्शन दे रहे श्री किशोरी जी के साथ मिलकर के सब गोपियों ने आज इसी वृंदावन यमुना के तट पर वंशीवट पर एक गीत गाया। उस गीत का नाम है गोपी गीत। भागवत का सार है गोपी गीत। कनक मंजरी छंद में है और कनक मंजरी छंद में इसलिए गाया गया, कनक शब्द के दो अर्थ हैं, कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिका है। या खाए बोराए थे, बोराए थे और वा खाए, कनक माने सोना और कनक माने धतूरा। अब सोने की मंजरी यदि अर्थ लगाएं तो गोपी गीत क्या है? सार है भागवत का, वो अनमोल अमूल्य निधि है गोपी गीत। और यदि दूसरा अर्थ लगाएं, धतूरे की मंजरी कहीं जीव पर आ गई तो एक ऐसा नशा, ऐसी मादकता, तदुरूप गोपी गीत का जो लोग पाठ करते हैं, आश्रय लेते हैं, कृष्ण मिलन की एक मादकता जीवन में आती है। और विश्वास कीजिए, जो नियम पूर्वक गोपी गीत का प्रेम से, श्रद्धा से, निष्काम भाव से पाठ करें तो एक दिन कृष्ण दर्शन मिल जाता है, कृष्ण दर्शन हो जाता है। कोई करके दे। आइए दो चार श्लोक, केवल समय का अभाव, सीधे बैठे चले यमुना के तट। जयति ते धिकम् जन्मना ब्रज, श्रयत इन्दिरा शश्वत त्रहि दैत दृश्यता दुदाशये
गोपी गीत के अद्भुत भाव हैं, अद्भुत भाव। एक बार बेंगलोर में, एक बार कलकत्ते में, दो बार 11-11 दिनों का गोपी गीत पर प्रवचन हुआ। और सज्जनों विश्वास मानिए, मैं 19 श्लोक गोपी गीत के 11 दिनों में पूरे नहीं कर पाया, केवल 4-5 श्लोक। इतना मार्मिक है गोपी गीत, सुनने लायक है, सुनने जैसा है। दो चार भाव, दो चार श्लोक सुन लें। क्या कहती हैं गोपियां? जयति ते अधिकम जन्मना ब्रज ते अधिकम जयति। आपके जन्म और लीलाओं के कारण इस धाम वृंदावन की शोभा बैकुंठ की शोभा से भी और बढ़ गई है। श्रयत इंदिरा, वो इंदिरा लक्ष्मी जी जो चंचला हैं, चपला हैं, वो अचला के रूप में श्रीधाम वृंदावन को सहज प्राप्त हो गई है। हे श्याम सुंदर, आप हमें छोड़कर चले गए, हम सब आपकी अशुल्क दासियां हैं। हे श्याम सुंदर, एक बार हम पर दया करो, दयालु दर्शन दो हमें। क्या आप अपनी प्रतिज्ञा को भूल गए? ध्यान देना, गोपियां आज श्री कृष्ण को रामावतार का स्मरण दिला रही हैं। त्रेता में राम जी के रूप में अपने सभी भक्तों को वचन दिया, सकदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते, अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतत् व्रतम मम। जो लोग मेरी शरण में आएंगे मैं उनको अभय प्रदान करूंगा। हम सब छोड़कर आपकी शरण में आई, लेकिन हम भयभीत हो रही हैं इस वृंदावन यमुना के तट पर।
क्या आप अपनी प्रतिज्ञा को भूल गए? हे श्याम सुंदर, यदि आपको छोड़ना था तो आपने बार बार हमारी रक्षा क्यों की? रक्षिता बहो। और रक्षा भी किससे की? केवल असुरों से नहीं की, सुरों, दैत्यों से भी की और देवताओं से भी की है। छोड़ना था तो बार बार आपने मेरी रक्षा, हमारी रक्षा क्यों की है? हे श्याम सुंदर, आपके मुख कमल की शोभा शरद ऋतु के बीच खिलते हुए सरोवर में कमल की शोभा को लजा रही है, एक बार दर्शन दीजिए। फणि फणार्पितम् ते पदाम्बुजम्। हे श्याम सुंदर, एक बार अपने चरणों को हमारे वक्ष पर रख दीजिए, क्योंकि आपके चरणों की एक विशेषता है विष बपन कराने की। काली नाग के शतफण पर आपने पादप प्रहार किया तो काली नाग का विष बाहर निकल गया, विष बपन हो गया। हमारे हृदय में भी काली नाग बैठा है, न जाने कितने विष भरे पड़े हैं। अपने एक बार चरणों को हमारे वक्ष पर रख दीजिए, हमारे विषय भोग रूपी जितने भी विष हैं सब बाहर निकल जाएं, हमारा हृदय निर्मल हो जाए। हे श्याम सुंदर, तव कथामृतम तप्त जीवनम कविवेरीडितम कल्मषाप। आप में भी छह गुण हैं और आपकी कथा में भी छह गुण हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे, और धीरे बोलिए ना राधे, और धीमे बोलिए राधे राधे राधे। भगवान में छह गुण कौन से हैं? ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशस्य ज्ञान वैराग्य युश्चैव शण्वां भगवतीरणा। समग्र ऐश्वर्य है, समग्र ज्ञान है, समग्र वैराग्य है। देखो, ऐश्वर्य मिलेगा तो ज्ञान नहीं मिलेगा, ज्ञान मिलेगा तो ऐश्वर्य नहीं मिलेगा, दोनों विरोधी हैं। ज्ञान मिलेगा तो वैराग्य नहीं, वैराग्य होगा तो ज्ञान नहीं, एक दूसरे के विरोधी हैं। लेकिन परमात्मा भगवान में षड ऐश्वर्य एक साथ पाए जाते हैं, इसलिए उनको हम भगवान कहते हैं। आपकी कथा में भी छह गुण है, तव कथामृतम, अमृतमयी है आपकी कथा, कोई एक बार सुन ले। जो निष्प्राण हो गए हैं दुनिया के लोग, डिप्रेशन में, टेंशन में, जिनको अपना जीवन बोझा लग रहा है, प्राय निष्प्राण जैसे सोचते हैं, अब जीना व्यर्थ है, बेकार है, ये जिंदगी एक बोझा बन गई। एक बार कानों में कथा पहुंच जाए तो ये कथा क्या करती है, उसको प्राण का दान दे देती है, अमृतमय करके। तब कथा अमृतम, अमृतमयी है आपकी कथा। तप्त जीवनम, तप्तानाम जीवनम, तप्त जीवनम, दैहिक दैविक भौतिक तापों से, तीव्र तापों से लोग परेशान हैं। किसी को पत्नी से कष्ट है, किसी को पति से कष्ट है, बोलो ना। किसी को व्यापार की ही चिंता है, किसी को व्यवहार सता रहा है। दुनिया वाले टेंशन में मरे जा रहे हैं, डिप्रेशन में। एक बार कथा की शरण में आ जाएं। एक कथा जब कानों में पहुंचेगी तो कथा क्या करेगी, निष्ताप बना दे देगी, निष्ताप। एक कथा का एक विशेष गुण है निष्ताप। जो भी जीवन के ताप हैं सब बिट जाएंगे। अरे निष्ताप ही नहीं बनाती भागवत कथा, आप सब सुन रहे हैं, कल्म शाप हम निष्पाप भी बना देती है, फिर पाप नहीं रह जाते। श्रवण मंगलम, सुनते ही सुश्रूषु तत्क्षणात, उसी वक्त उसी समय मंगल होता हो जाता है जीवन में। श्री मद आततम, क्या व्याख्या करें, अद्भुत है व्याख्या। स्वर्ग का अमृत शेष हो सकता है, लेकिन धरती पर धरा पर रहने वाला यह अमृत, जिस भागवत अमृत को आप पान कर रहे हैं, ये कभी शेष होने वाला नहीं है। अनादि काल से बह रहा है और बहता रहेगा, आओ पियो, आनंद से लवालव हो जाओ, आपूरित हो जाओ।
सबसे बड़े दानी कौन हैं। श्रोताओं, ओ दुनिया वालों सुन लो, स्वर्ण दान देना, रजत दान देना, वस्त्र दान देना, भू दान देना, ये केवल दानी कहलाते हैं, लेकिन सबसे बड़े महादानी कौन हैं? जो आपकी कथा को सुनाते हैं, कथा का दान करते हैं, वो सबसे बड़े दानी हैं। भूरी दाजना। इस प्रकार गोपियों ने यत्ते सुजात चरणाम बहुरम स्तनेशु भीता शनि प्रियदधि मही कर्कशेषु। गोपियां आज विरह में व्याकुल होकर, देखो जब तक वियोग नहीं तब तक संयोग का अनुभव नहीं होता। भगवान ने मन में सोचा, लाओ अब कृपा करूं, और तुरंत भगवान मुरली मनोहर श्याम सुंदर उन गोपियों के मध्य उन्हें तासामा विरव छौरी स्मयमान मुखांबुज पीतांबरधर सगवी साक्षान मन 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 मथ। पीतांबर धारण हाथ पर लेकर पीतांबर को स्वयं आज उस कामदेव के अरि कामदेव के मान को मर्दन करने वाले ऐसे मदन मोहन प्रकट हो गए यमुना के तट पर। एक बार जय जयकार करें, श्री मदन मोहन जी महाराज की जय। यहां परस्पर भगवान का और गोपियों का सुंदर चर्चा हुई है। आओ गोपियों, अब तुम अधिकारिणी हो गई हो, मैं कहीं नहीं गया, तुम सबके बीच में था, अब तुम महाराज की अधिकारिणी हो, अब हम सब मिलकर के महाराज करें। आओ एक बार, हम तो वृंदावन में ही बैठे हैं ना, दो मिनट थोड़ा ठाकुर जी के साथ थिरक लें, जल्दी से थिरक लें, और फिर हम आगे चलेंगे, क्योंकि आज तो उत्सव के लिए बैठे हैं हम लोग। और यहाँ आस्था भजन ये केवल 3 घंटे, प्रेम से बोलो राधे राधे। ओ रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना के नीरे तीरे रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, तीरे तीरे रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना के तीरे तीरे रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना के तीरे तीरे रास रचो है। तालन पे ताल पे कमाल माल मालन पे, वृंदावन बीचन बिहार वंशी वट पे, वृंदावन बीचन बिहार वंशी वट पे, छित पे छान पे छाजत छटान पे, छित पे छान पे छाजत छटान पे, ललित लतान पे लाडली के लट पे, ललित लतान पे लाडली के लट पे, कहे पद्माकर अखंड रास मंडल में, कहे पद्माकर अखंड रास मंडल में, मंडित उमंग महाकालिंदी तट पे, मंडित उमंग महाकालिंदी तट पे, कैसी छवि छाई आली शरद जुनाई देखो, कैसी छवि छाई आली शरद जुआई देखो, कैसी छवि छाई जा कन्हाई के मुकुट पे, कैसी छवि छाई जा कन्हाई के मुकुट पे, हो रास रचो है, रास रचो है, यमुना के तीरे तीरे रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना के तीरे तीरे रास रचो है, के नीरे तीरे रास रचो है, यमुना के तीरे तीरे रास रचो है।
कृष्ण नाचे राधा नाचे कृष्ण नाचे राधा नाचे कृष्ण नाचे राधा नाचे कृष्ण नाचे अरे नाचे गोपी जन अरे नाचे गोपी जन राधा नाचे कृष्ण नाचे राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जन नाचे गोपी जन ओ मन मेरा बन गया सखी रे पवन वृंदावन मन मेरा बन गयो सखी रे पवन वृंदावन ओ रास रचो हे रास रचो हे यमुना के नीरे तीरे रास रचो हे रास रचो हे रास रचो हे यमुना के नीरे तीरे रास रचो हे रस बरस रहा है, ऐसे में बीच में आना एक क्षेपक के रूप में है, लेकिन कुछ सूचनाएं आपके साथ साझा करनी है। परम श्रद्धे गुरुदेव भागवत प्रभाकर श्री वैष्णवाचार्य मारुति नंदन बागेश जी महाराज के द्वारा भागवत पीठ पर दैनिक अन्न क्षेत्र की सेवा और गौ संवर्धन हेतु एक अभियान एक रोटी गौ माता के नाम। अगर आप घर में ऐसे में हैं जहां आप गौ माता की सेवा करने में अक्षम हैं, तो परम श्रद्धे गुरुदेव के संकल्प से जुड़ सकते हैं और अपनी सेवा अगर आप चाहते हैं तो आजीवन रूप से एक रोटी गौ माता के लिए 25,000 रुपये की सेवा और एक वर्ष की सेवा
2100 रुपए की आप लिखा सकते हैं, आपके नाम यहां पर अगले प्रसारण में बोल दिए जाएंगे। जोगेन चौहान, उनकी श्रीमती सुमित्रा चौहान, स्टोन ओंटा साहिब हिमाचल प्रदेश से आज उनका जन्मदिन है। अपने जन्मदिन के अवसर पर उन्होंने 5100 रुपए की सेवा सत्य सनातन सेवा संस्थान चैरिटेबल ट्रस्ट को की है। प्रभु कृपा आप पर सदैव बनी रहे, आप शतायु हो। परम पूज्य गुरुदेव की कथा अगर आप अपने शहर गांव कस्बे कहीं कराने के इच्छुक हैं तो हमारे नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर चल रहे हैं, आप उन नंबर पर संपर्क कर अपनी कथा के विषय में अपने मंतव्य को बता सकते हैं। परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा भागवत पीठ श्रीधाम वृंदावन में एक आश्रम जिसमें कि कमरों का निर्माण अभी होना शेष है, उसकी सेवा में भी आप प्रतिभागी हो सकते हैं। आप अपने पूर्वजों के नाम से उनकी चिर स्मृति को श्रीधाम वृंदावन में जन्म जन्मांतर के लिए स्थापित कर सकते हैं। उनकी सेवा में अगर आप ऐसा करना चाहें तो एक कमरे के निर्माण के सहयोग की सेवा 5 लाख रुपए मात्र आप सत्य सनातन सेवार्थ संस्थान चैरिटेबल ट्रस्ट को इस नंबर पर सूचित कर सकते हैं। आपके नाम बोल दिए जाएंगे। अगर आप अन्य भी कोई छोटी सेवा भी करने के इच्छुक हों तो आप कर सकते हैं। चलते हैं, पुनः उसी रस में प्रवेश करते हैं और अनुरोध करते हैं परम पूज्य गुरुदेव श्री मारुतिनंदन बागेशी महाराज से कि हमें उसी रस रसांतर से जोड़ें और प्रभु कृपा का सानिध्य प्राप्त कराएं। जय जय श्री राधे। बोलिए रास बिहारी भगवान की। इस प्रकार भगवान ने गोपियों के साथ महाराज लीला की है। आप सभी श्रोता बस ये समझ लें, जिस कथा को अभी आप सुन रहे थे, शांत भाव से बैठे। ये काम लीला नहीं है महाराज लीला, एक काम के मान के मर्दन की लीला है। रेमो रेमे रमेशो ब्रजसुंदरी भी यथार्भक स्वप्रतिबिंब विप्रम। एक दृष्टांत के माध्यम से सुखदेव जी महाराज ने सिद्ध कर दिया कि ये महाराज लीला निष्काम लीला है। जैसे एक बच्चे को शीश महल में छोड़ दिया जाए, शीश महल समझ गए, चारों ओर दर्पण दर्पण, और बच्चा अबोध ऊपर नीचे अपने प्रतिबिंब को देखकर भिन्न भिन्न मुद्राएं बनाता है, तद्रूप श्री कृष्ण इन गोपियों के बीच अपने ही प्रतिबिंब को देखकर भिन्न भिन्न मुद्राएं बनाकर नृत्य कर रहे हैं, रास कर रहे हैं। सिद्ध होती है कि महाराज लीला निष्काम लीला। जो लोग महाराज लीला कथा को सुनते हैं सज्जनों, भक्तिम पराम भगवते प्रतिलभ्य कामम हरद रोग माश्व पहिनोत्य चिरेण धीर। परा भक्ति की प्राप्ति होती है, हृदय के जितने भी काम रोग हैं उनका शमन हो जाता है। 5 अध्यायों में रास पंचाध्याय को सुनाया, संक्षिप्त रूप में हम आगे बढ़ेंगे। मेरे पास फोन आते हैं, मैं तो बात नहीं कर पाता पूरे देश में से, जहाँ जहाँ कल कलकत्ते से फ़ोन आया महाराज श्री, हम नंदोत्सव को लाइव नहीं देख पाए, गिरिराज पूजन को लाइव नहीं देख पाए, आप कैसे भी करके कथा को समास कर दीजिए। आपकी कथाएं तो हमने अनेकों बार सुनी हैं, विस्तार से सुनी हैं, 6-6 घंटे लगातार बैठ करके सुनी हैं, और सच कह दूं मेरे से तो 3 घंटे में कथा होती भी नहीं और हो भी नहीं सकती, कारण ये 18,000 श्लोक 12 स्कंद असंभव है, असंभव है। क्या छोड़ें क्या नहीं छोड़ें, सब कुछ भागवत का एक एक शब्द कृष्ण है, भागवत का एक एक शब्द कृष्ण है, और शब्द का अर्थ श्री राधा है। कैसे छोड़ दें श्री राधा कृष्ण के उस दिव्य नाम को। एक बार नंद बाबा के मन में तीर्थ यात्रा करने का संकल्प हुआ, भगवान ने सारे तीर्थों को ब्रज में आहूत किया, आप कल सुन रहे थे, सारे तीर्थ हमारे ब्रजमंडल में हैं। भगवान ने
इस प्रकार बाबा की मनोरथ को पूर्ण किया है भोजपति कंस ने। आपको कह दूं अक्रूर जी को भेजा है कहां, इस ब्रज में एक धनुष यज्ञ का आयोजन किया, अक्रूर जी को भेजा वृंदावन में और यहां से पत्र लेकर अक्रूर जी आए हैं। एक मेले का निमंत्रण लेकर संक्षिप्त रूप में मैं आगे बढ़ रहा हूं। श्री कृष्ण और बलराम अपने काका अक्रूर जी के साथ वृंदावन से मथुरा के लिए क्या दशा हुई माँ को कहकर गए थे परसों आए जाऊंगो, लेकिन परसों की बरसों हो गई श्री कृष्ण नहीं आए। गोपियों की क्या दशा हुई, गोपियां छटपटाती रह गईं, व्याकुल रह गईं। श्री कृष्ण और बलराम सीधे काका अक्रूर जी के साथ कृपा करते हुए मथुरा पधारे हैं। अक्रूर जी तो राजप प्रासाद की ओर चल दिए, लेकिन मथुरा की शोभा को देखते हुए श्री कृष्ण ने आज माली पर कृपा की है, एक दर्जी पर कृपा की है, इतना ही नहीं त्रिविक्रा एक कुब्जा पर, तीन जगह से टेढ़ी थी सीधा कर दिया आज कुब्जा को, ऐसी कृपा की है। और भगवान सीधे पहुंचे उस राजमार्ग पर जहां भोजपति कंस को जब मालूम हुआ तो कंस ने कुबलया नाम के हाथी को, कुबलया पीड नाम के हाथी को भेजा। भगवान ने पूंछ पकड़कर घुमाते हुए धरातल के ऊपर दोनों दांत निकाल लिए, एक दांत श्री कृष्ण ने अपने स्कंध पर, दूसरा बलराम जी ने। क्या शोभा है आज, नंद बाबा ब्रजवासियों को लेकर के पहुंच गए हैं मथुरा के बीच। भगवान ने रंगशाला में प्रवेश किया है, आंखों पर जिस कलर का सज्जनों चश्मा होगा सामने वाला वही दिखाई देगा। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। उस रंग शाला के बीच जितने भी मल्ल बैठे थे सब मल्लों ने भगवान को वज्र के रूप में देखा, मथुरा की स्त्रियों ने कामदेव के रूप में देखा, इतना ही नहीं नंद बाबा ने पुत्र के रूप में देखा, ग्वाल वालों ने सखाओं के रूप में देखा, तो कंस ने मृत्यु के रूप में देखा। भोजपति कंस ने आदेश दिया इशारा करते हुए शल तो शल मुष्टिक चाणूर को, कृष्ण बलराम आज दंगल कुश्ती के बीच चारों का उद्धार करते श्री कृष्ण दौड़ लगाते हैं और धावन करते श्री कृष्ण ऊंचे मंच पर चढ़ गए, पकड़ ली अपनी मामा कंस की चोटी, मारा झटका वक्ष पर बैठ गए। मामा जी प्रणाम, मारना नहीं कन्हैया, मारना नहीं। मामा जी याद करो, एक दिन मेरी मैया की चोटी भी आपने ऐसे ही पकड़ी। देखते 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 भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा वासियों के आगे, ब्रजवासियों के आगे एक मुष्टिक का प्रहार किया कंस के वक्ष पर। कंस की प्राणवायु भगवान के चरणों में विलीन हो गई, कंस महाराज की। यही मैं देखना चाहता था, आप कैसे श्रोता है। पांच दिन छह दिन हो गए आज मेरे को, आज समझ में आया कि ठाकुर जी की जय जयकार आप क्यों नहीं करते। ओ समझ गया, आप उसी बिरादरी के हैं, प्रेम से बोलो राधे राधे। अब कोई रिलेशन होगा आपका कोई, तो मैं काहे को ऑब्जेक्शन करूं। एक बार फिर से कंस महाराज की, अरे कंस की जय जयकार मत करो भैया, ठाकुर जी की जय जयकार करो। बोलिए कंस निषूदन भगवान की जय। भगवान ने कंस का उद्धार किया, बाबा नंद को वृंदावन के लिए, ब्रजवासियों को। सबसे पहले नाना उग्रसेन जी को कारागार से मुक्त किया, पिता वसुदेव जी के चरणों में प्रणाम किया, माता देवकी ने जो देखा, आज कृष्ण इतने बड़े हो गए, 11 वर्ष 11 महीने के हो गए, दौड़कर मां देवकी ने गाढ़ आलिंगन कर लिया। जन्म लेते ही छोड़कर चले गए गोकुल के लिए, मां से मिले हैं। धीरे धीरे मथुरा के बीच श्री कृष्ण जब बड़े होने लगे, बच्चे जब बड़े होते हैं तो माता पिता को चिंता सताती है पढ़ने की लिखने की,
वसुदेव जी ने आज वासुदेव कृष्ण को कहां भेजा? सांदीपनी आश्रम को जैन भेज दिया। 64 दिनों में 64 कलाएं विद्याओं को लेते हुए गुरु दक्षिणा के रूप में गुरु माँ के मृत पुत्र को लाकर समर्पित किया है, लौट करके मथुरा में आए हैं। एक दिन श्री कृष्ण मथुरा की अटारी पर विहार कर रहे थे कि अचानक यमुना के बीच खिलते हुए कमल पुष्प को देखा। कमल को देखते ही वृंदावन की याद आई, बाबानंद की माँ यशोदा की याद आई, गोपियों की याद आई, जो किशोरी राधा रानी का स्मरण आया। हा राधे हा राधे करते हुए भूमि पर आज पछाड़ खाकर गिर गए। ज्ञानी उद्धव जी जो सखा हैं श्री कृष्ण के दौड़ कर आए, प्रभु क्या हुआ आपको? गोद में उठा लिया। भगवान के नेत्र सजल हैं सज्जनों, उद्धव जी ने पूछ लिया, प्रभु आप रो रहे हैं? आप तो ब्रह्म हैं, परमात्मा भगवान हैं, ब्रह्म का काम रोना नहीं। भगवान ने कहा, उद्धव मैं नहीं रो रहा, मुझे कोई रुला रहा है। कौन? वृंदावन की याद। क्या दशा होगी मेरी माँ यशोदा की, बाबा की, उन गोपियों को छोड़ करके आया? उद्धव तुम मेरे ज्ञानी सखा हो, एक बार तुम वृंदावन चले जाओ ना। सज्जनों आज भगवान उद्धव को वृंदावन भेज रहे हैं। क्यों? उद्धव ज्ञानी तो हैं लेकिन उद्धव के जीवन में अभाव है प्रेम का। लाओ इस ज्ञानी को प्रेमी बना दूं, ये पूर्ण हो जाएगा। उद्धव को आज चार पत्र लिख करके दिए हैं और उद्धव जी सीधे आए हैं इस वृंदावन में। और वृंदावन में पहुंच करके एक पत्र बाबा को, एक माँ को, माँ यशोदा को, तीसरा गोपियों को और चौथा किशोरी राधा रानी जी के चरणों में रख दिया। गोपियों ने जब देखा है उद्धव को, गोपियां पूछती हैं, कौन हो, कहां से आए हो? उद्धव जी ने अपना परिचय दिया है। वृष्णीनाम प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दैत सखा शिष्यो बृहस्पते साक्षात् उद्धवो बुद्धि सत्तमः। मैं कृष्ण का सखा हूं, बृहस्पति का शिष्य हूं, नाम से उद्धव हूं, मथुरा वासी हूं, पत्र लेकर आया हूं। गोपियां आज उद्धव की बात सुनते ही आवेश में, प्रेमावेश में आ गईं और तुरंत कह दिया, अरे ओ ज्ञानी जी, हम तो सोए हुए थे ओढ़े कफन मजार में, हम तो सोए हुए थे ओढ़े कफन मजार में, यहां भी सताने आ गए, किसने पता बता दिया? क्यों आए हो ज्ञानी जी यहां सताने के लिए हमको? हम पहले ही सताई हुई हैं। जो मैं ऐसा जानती, प्रीत करे दुख होए, नगर ढिंढोरा पीटती, प्रीत न करियो कोए। यदि हमें ऐसा मालूम होता, प्रेम करने का परिणाम फल ऐसा होता है, तो हम कभी उनसे प्रेम ना करती, प्रेम ना करती। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। पूज्य महाराज श्री हमारे बीच पधारे, आचार्य कुटी से उनका इस भागवत पीठ के भागवत सभागार में प्रथम आगमन, उनका अभिनंदन, उनका अभिवंदन करते हैं हम सभी लोग। और मैं कह चुका हूं, संतों का जो दर्शन है यही भागवत का फल है। Thank you.
आइए कथा प्रसंग की ओर चलें। गोपियों के आगे उद्धव जी ने ज्ञान की चादर फैलाई है। मैं आज संक्षिप्त रूप में आगे बढ़ूंगा, समय का अभाव है, नहीं तो उद्धव गोपी संवाद सुनने जैसा है। दो दो घंटे तक मैंने उद्धव गोपी संवाद सुनाया है, अनेकों बार आपने सुना है। ज्ञान की चादर फैलाई, किसके लिए रोती हो, वो ब्रह्म है, व्यापक है, निर्गुण है, निराकार है, निरीय है। गोपियों ने कहा, क्या कहा ज्ञानी जी? वो निर्गुण है, वो निराकार है, वो ब्रह्म सर्वव्यापक है। अब ध्यान देना श्रोताओं, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो ब्रह्म सर्वव्यापक है, सब में है, तो आपके भीतर भी है और हमारे भीतर भी है। तो जब ब्रह्म आपके पास भी है, वो ब्रह्म हमारे अंदर भी है, तो आपके ब्रह्म ने हमारे ब्रह्म को क्या अज्ञानी ब्रह्म समझ लिया? ब्रह्म का ब्रह्म को उपदेश कैसा? उपदेश द्वैत में होता है, उपदेश अद्वैत में नहीं होता। और गोपियों ने आज ज्ञानी जी को, उद्धव जी को निर्गुण, सगुण, साकार, निराकार, कैसी अद्भुत व्याख्या की। अरे ज्ञानी उद्धव जी, निराकार होते हुए भी वो साकार हैं और साकार होते हुए भी वो निराकार है। त्रिगुणातीत हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण त्रिगुणातीत हैं, इसलिए वो निर्गुण हैं, और विशेष गुणों से समन्वित हैं, इसलिए वो सगुण हैं। भागवत में भ्रमर गीत है, एक काला भौरा आया और किशोरी राधा रानी जी के चरणों के ऊपर गोपियों ने जब देखा तो गोपियों ने मन में सोचा, लाओ इस काले भ्रमर के माध्यम से इन ज्ञानी समागत उद्धव जी को प्रेम का पाठ पढ़ा दिया जाए। ये भागवत का भ्रमर गीत क्या है? सीधे शब्दों में कह दूं, ये उद्धव ज्ञानी को प्रेम का पाठ है, प्रेम का पाठ। मधुपकित बंधो मास्प्रशंग्रिं सपत्निया कुच विलुलित माला कुंकुम स्मश्रुभिर्न वहतु मधुपति स्तनमालिनी नाम प्रसादम यदु सदसि विडम्ब्यम यस्य दूतस्त्वमित्रक। गोपियों ने कहा, ए मधुप, मधु पीता है, शहद पीता है, मास्पृशांग्रिं सपत्निया, मत छूना राधा रानी के चरणों को, और सुन तेरी मूछों पर केशर कहां से आ गया? ये केशर मथुरा में नहीं मिलता, वृंदावन में नहीं मिलता, ये केशर कश्मीर में मिलता है, लेकिन तेरी मूछों का केशर बता रहा है तू वहीं से आ रहा है। कहां से? जिस मथुरा के बीच हमारे प्रियतम प्राणधन श्याम सुंदर हैं, उन मथुरा वासिनी स्त्रियों के साथ, जो मथुरा वासिनी अपने वक्ष पर केशर लगाती हैं, पीत पराग लगाती हैं, जब हमारे श्याम सुंदर उन मथुरा वासिनियों का गाढ़ आलिंगन करते हैं, तो पीत पराग वो केशर उन बैजयंती माला के पुष्पों पर आता है, और तुम्हारा स्वभाव है पुष्पों पर बैठ करके पराग पान करना और छोड़ देना उन पुष्पों को। मास्प्रशंग्रिं सपत्निया, वही दशा हमारे श्याम सुंदर ने की है, हमें छोड़कर चले गए मथुरा के लिए, मथुरा वासिनियों के पास, जो तुम करते हो वही तो उन्होंने की है। मत छूना किशोरी राधा रानी के चरणों, प्रेम का पाठ है ये भ्रमर गीत, सुनने जैसा है। हा हा, बस अंतिम में एक ही पंक्ति में, हे उद्धव एक बार मिला देना, मिला दो श्याम से उधो तेरा गुण हम भी गाएंगे, मिला दो श्याम से उधो तेरा एक बार उनको
निवेदन कर देना, हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारा चित्त केवल और केवल उनके चरणों में है, हमें भूल गए। उद्धव जी आज सुनते हैं, गोपियों को प्रणाम करते हैं और उद्धव ने कह दिया, ज्ञानी उद्धव जी ने, तुम तो प्रेम की ध्वजा हो गोपियों, प्रेम की ध्वजा हो। मालूम है उद्धव जी ने प्रणाम किया गोपियों को तो कितना आश्चर्य है, गोपियों के चरण स्पर्श नहीं किए, गोपियों की धूल को अंजलि में भरा, माथे से लगाया। बंदे नंद ब्रजस्त्रीणाम पाद रेणुम अभिक्षणस, चरणों की रज को स्नान किया है। उद्धव जी आज आए हैं मथुरा के बीच, रिजाइन लेटर लिखा और त्याग पत्र लिख करके आज सौंप दिया। किसको? प्रभु को। बोले प्रभु बस क्षमा कीजिए। ये क्या है? बोले आप यहां विराजे हैं लेकिन वहां क्या दशा है? सुनते ही आज भगवान ने सोचा, लाओ अपने इस प्रेमी सखा उद्धव को अनुभव करा दूं, बता दूं मैं कौन हूं और राधा कौन है। और तुरंत युगल स्वरूप में उद्धव जी के आगे दर्शन दिया। उद्धव जी चरणों से लिपट गए। अरे ओ उद्धव, ये राधा मेरे से विलग नहीं है और मैं राधा से विलग नहीं हूं। राधा कृष्ण स्वरूपाम्बई कृष्णम राधा स्वरूपिणम, कभी राधा को कृष्ण से अलग मत करना। स्वयं श्री कृष्ण ही राधा के रूप में 11 महीने 15 दिन पूर्व इस धरा पर आए, काहे के लिए? केवल मात्र प्रेम की स्थापना के लिए, प्रेम की स्थापना। इस प्रकार आज उद्धव गोपी संवाद शुकाचार्य भगवान ने, कंस की मृत्यु हुई, कंस की दो पत्नियां हैं, एक का नाम है अस्ति, दूसरी का नाम है प्राप्ति। पिता जरासंध के द्वार पर पहुंच गई। जरासंध ने जो सुना, उस काली कृष्ण के द्वारा मेरे दामाद का वध 17 बार आक्रमण किया जरासंध ने मथुरा के ऊपर, भगवान ने 17 बार पराजित कर दिया। बैठे वही बैठे, अभी बैठे। प्रेम से बोलो ना राधे राधे, और धीरे बोलो राधे राधे, जरा और धीरे ही बोलो राधे राधे। जय हो आपकी, भला हो मेरा। नहीं, 17 बार आक्रमण किया। किसने किया? जरासंध ने किया। कहां किया? मथुरा के ऊपर। ये मथुरा क्या है बहुत ध्यान दीजिए, गंभीर हो जाइए 2 मिनट के लिए। मथुरा क्या है? ये हमारा देह शरीर ही मथुरापुरी है। बिराजे 2 मिनट बिराजे। अभी हमारे बीच श्रीधाम वृंदावन के ही, जिन्होंने अनेक विद्वानों को श्रीमद् भागवत गादी पर आसीन किया, ऐसे भागवत भूषण, मैं उनके नाम को लेकर लेना पड़ेगा व्यासपीठ से, तो पूज्यपाद श्री केदारनाथ शास्त्री जी महाराज, उनके सुपुत्र, उनके आत्मज यहां पधारे हैं। भागवत सभागार में उनका स्वागत है, अभिनंदन है। शरीर क्या है? ये मथुरापुरी क्या है? ये शरीर ही मथुरापुरी है। जरासंध ने आक्रमण किया, मतलब 17 बार, ध्यान देना। देखो भागवत के दशम स्कंद के 2 भाग हैं, एक है पूर्वार्ध और दूसरा है उत्तरार्ध। अब इसकी केमिस्ट्री को समझ लें, एक फिलॉसफी को समझ लें। हमारे जीवन का भी पूर्वार्ध है, हमारे जीवन का भी उत्तरार्ध है। 49 वर्षों तक हमारे जीवन का पूर्वार्ध है, लेकिन 49 के बाद हम उत्तरार्ध में प्रवेश कर गए। और जब उत्तरार्ध में प्रवेश किया तो जैसे मथुरा पर जरासंध ने आक्रमण किया 17 बार,
हमारे ऊपर भी जरासंध आक्रमण करेगा। ये जरासंध कौन है? जरावस्था, वृद्धावस्था। और हम क्या करेंगे? जैसे भगवान ने जरा को, बूढ़ा उस जरासंध को 17 बार पराजित किया, हम लोग भी 49 प्लस 17 कितने हो गए, 66 66 वर्षों तक एवरी संडे कलरफुल हो करके क्या कहें महाराज, उस बुढ़ापे को हराते रहेंगे, पराजित करते रहेंगे। लेकिन 18वीं बार जरासंध अकेला नहीं आया, काल यवन को साथ लेकर आया और भगवान को रणभूमि छोड़ करके भागना ही पड़ा। हमको भी जाना ही होगा, यही इसकी केमिस्ट्री है, यही इसका विज्ञान है। मेरे से फोन आए अनेकों, 2-3 दिन तक मैं बात नहीं करता रहा, लेकिन कल मैंने बात की। कलकत्ते से एक माताजी मेरे से रोते हुए बात कर रही थी, महाराज क्या बताएं, आप वृंदावन बुला लीजिए, आपकी कथा सुन रहे हैं, इतना आनंद बरस रहा है, आप वृंदावन बुलाइए, कुछ कीजिए, मैं घर पर रहना नहीं चाहती हूं। और जब मैंने उनकी बात सुनी, संक्षिप्त रूप में आपको कह दूं, मेरी आंखें सजल हो गई, सजल हो गई। मुझे भी रोना आया, क्या दशा हो रही है संसार में। मैंने कहा माता जी आप जरूर वृंदावन आएंगी, और मैंने तुरंत संकल्प ले लिया, कल मैं व्यासपीठ से घोषणा करूंगा 21 भागवत की कथाएं मैं बिल्कुल निष्काम भाव से इस जगत के कल्याण के लिए, उन वानप्रस्थियों के लिए सुनाऊंगा। ये मैंने संकल्प ले लिया, मैंने 21 कथाएं सुनाऊंगा पूरे देश में, जहां जहां लक्ष्य केवल एक होगा कि वो वानप्रस्थी जिनकी जरावस्था आ चुकी है वो कष्ट ना पाए, आए मेरे श्रीधाम वृंदावन में, मेरो वृंदावन, और उन वानप्रस्थियों को यहां पर आश्रय मिलेगा, केवल वो भजन करें, कथा सुने। ये भावना को लेकर मैंने संकल्प ले लिया। आगे कराने वाले ठाकुर जी हैं परम श्रद्धे गुरुदेव के द्वारा, ऐसा दुरू संकल्प, एक ऐसा आनंदमय संकल्प जो कि हमारे 60 वर्ष से ऊपर की जो अवस्था है, जो वृद्धाश्रम की जो एक परंपरा बन गई है समाज में, उसको दूर करने के लिए, और वृंदावन में ऐसे बुजुर्ग हमारे माता हमारे पिता उनको भगवान के चरणों से जोड़ने के लिए, उनकी सदगति उनको ज्ञान गंगा से जोड़ने के लिए, और उनके भोजन आवास आदि की व्यवस्था के लिए परम श्रद्धे गुरुदेव के द्वारा इस भागवत पीठ में एक संकल्प लिया गया है। मेरा इस टीवी चैनल के माध्यम से देखने वाले सभी रसिक जनों से विनम्र अनुरोध है कि परम श्रद्धे गुरुदेव का जो संकल्प है 21 कथाओं का, वो पूरे देश में आप भी इस सनातन धर्म की गाथा को फैलाने में अपना सहयोग दे सकते हैं। आपके जो सहयोग की घोषणा अगले प्रसारण में कर दी जाएगी। हमारे जो नंबर हैं वो टीवी स्क्रीन पर चल रहे हैं। जैसा कि गुरुदेव ने कहा कि कथा में परम पूज्य गुरुदेव का कहीं कोई भी कोई दक्षिणा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जो ब्राह्मण जो हमारे सहयोगी हैं उनको जो दक्षिणा देनी है, उसके अलावा कोई भी शुल्क इस संस्थान के द्वारा नहीं लिया जाएगा। ये पूर्ण 21 कथाओं का संकल्प आप सभी के माध्यम से पूर्ण होना है। हमारा आप सभी से विनम्र अनुरोध है, परम श्रद्धे गुरुदेव ने जो संकल्प लिया है उसके सहभागी बने, और भागवत पीठ में जो बनने वाले ऐसे बुजुर्गों के लिए इस आश्रम में अपने कमरे की अगर आप सेवा लिखाना चाहते हैं तो 5 लाख रुपये का सहयोग देकर आप एक कमरे का निर्माण करा सकते हैं, उसमें अपने पूर्वजों की स्मृति को चिरस्थायी कर सकते हैं। जय जय श्री राधे। और एक घोषणा और कि आज अभी हम जो रुक्मणी विवाह के आनंद में सरोबोर होंगे, उसके हमारे यजमान हैं श्री दिनेश अग्रवाल जी और अंजलि अग्रवाल जी और उनके परिवारीजन, और श्री राजेंद्र जी और मधु चौधरी जी मुंबई से जो किसी कारणवश यहाँ उपस्थित नहीं हो पाए हैं, उन सब पर प्रभु कृपा सदैव बनी रहे। चलते हैं, जुड़ते हैं पूरे आनंद गंगा से। और एक बात और विशेष अनुरोध कि जो भी गुरुदेव की वाणी है वो गुरुदेव के यूट्यूब चैनल और फेसबुक चैनल श्री बागेश जी पर सबसे पहले डाली जाती है, तो आप सभी इन सब से वंचित ना रहें, आप भी इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। श्री बागेश जी, जय जय श्री राधे।
बोली श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान रण छोड़ कहलाए, रणभूमि को छोड़कर विश्वकर्मा को प्रभु ने आदेश दिया सागर के बीच द्वारिका स्वर्णमयी द्वारिका एक बार जय जयकार करें। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय, द्वारिका नाथ की जय। रेवत महाराज की पुत्री रेवती जी के साथ समय आने पर बलराम जी का सुंदर विवाह पाणिक ग्रहण हुआ। परीक्षित जी महाराज ने यहाँ पर जिज्ञासा की है, भगवान भीष्मक सुताम रुक्मिणीम रुचिराननाम राक्षसेन विधानेन उपयेम इति श्रुतम। गुरुदेव, भगवान ने राक्षस विधि से पाणिक ग्रहण किया और रुक्मिणी जी का हरण किया। इस लीला को मैं, इस मंगल प्रसंग को विस्तार से सुनना चाहता हूं। आइए उस मंगल प्रसंग में जिसकी हम प्रतीक्षा कर रहे थे बड़े भाव से प्रवेश करते हैं। राजा से भीष्म को नाम विदर्भाधिपतिर महान तस्य पंचाभवन पुत्रा कन्यैका च वरानना। कुंडिनपुर नरेश है महाराज भीष्मक। भीष्मक महाराज के पांच पुत्र हैं और पांच पुत्रों में एक पुत्री है, नाम क्या है बोलो ना, रुक्मिणी। विवाह के योग्य हो गई। पांचों भाइयों ने अपनी बहन रुक्मिणी का संबंध सज्जनों चेदी नरेश शिशुपाल के साथ निश्चित कर दिया। नारद जी ने देखा ये क्या हो रहा है, तुरंत देवर्षि नारद जी वीणा के तार पर भगवान नाम संकीर्तन करते हुए ओ भज नारायण भज नारायण भज नारायण भज नारायण ओ भज नारायण भज नारायण भज नारायण भज नारायण ओ भज नारायण को नाम रे भज नारायण को नाम रे ओ भज नारायण को नाम रे भज नारायण को नाम रे नारायण के नाम बिना नहीं आवे कोई काम रे भज नारायण 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 हो सगाई भाव से दोनों हाथ ऊपर उठाकर मस्ती से गर्दन ध्वनि करते हुए भगवान देवर्षि नारद जी रुक्मिणी जी के पास जय हो। हो दुनिया है सुख दुख का मेला, दुनिया दुख का मेला, हो दुनिया है सुख दुख का मेला, दुनिया है सुख दुख का मेला, हो उसमें बहता हंस अकेला, उसमें बहता हंस अकेला, उसमें बहता हंस अकेला, उसमें रहता हंस अकेला, उसमें रहता हंस अकेला। भज नारायण 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 भज नारायण
भज नारायण भज नारायण पीछे वाले ताली नहीं बजा रहे बात बनेगी नहीं भोजन की शोभा काहे से बोलो भोजन की शोभा थाली से नाक की शोभा बाली से ससुराल की शोभा साली से बगीचे की शोभा माली से और कीर्तन की शोभा ताली से बोलो सबरे भाई प्रेम 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 से बोलो सबरे भाई भज नारायण भज वैकुंठनाथ भगवान की जय। देवर्षि नारद जी सज्जनों रुक्मिणी जी के भवन में पहुंचे। बेटी आइए आइए देवर्षि, इस सुंदर रूप को तुम क्या शिशुपाल के लिए नहीं, अरे तुम्हारे लिए तो स्वयं परमात्मा द्वारिकाधीश कृष्ण। और सज्जनों देवर्षि नारद जी ने रुक्मिणी जी के आगे भगवान श्री कृष्ण के गुण गणों को सुनाना शुरू किया। बेटी शिशुपाल को चला गया ये शरीर तो यहीं रह जाएगा, और भगवान को चला गया तो भक्तों के हृदय में अमर हो जाएगा। नारद जी ने अपना काम किया, नारद जी तो लौटे, राजकुमारी रुक्मिणी जी ने तुरंत कलम उठा ली, प्रेम से बोलो राधे राधे, और कलम उठाकर क्या लिखा, पत्र लिखा, 7 श्लोक लिखे राजकुमारी रुक्मिणी जी ने। आप लोग पूछेंगे 7 श्लोक ही क्यों, क्योंकि शादी विवाह के मौके पर 7 प्रदक्षिणा होती है ना, सप्तपदी होती है, इसलिए 7 श्लोक लिखे। क्या लिखा सुनाऊं कि नहीं सुनाऊं? अरे मत सुनो, पत्र है,
पत्र को बंद ही रहने दो, जाने दो ठिकाने पर। सुनाऊं? अरे मत पढ़ो दूसरों के पत्रों को, पूरी पुरानी आदत, बुरी आदत। सुना दूं? सुनाइए महाराज। अब मैं भी सोचता हूं, जब परमहंस सुखदेव जी महाराज ने सुना दिया तो मैं कहे को कंजूसी करूं? लो सुनाई देता हूं क्या लिखा है राजकुमारी रुक्मिणी जी ने। बोले श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शण्वताम ते निर्विश्य कर्ण विवरई हर तुंगतापम रूपम दृशाम दृश्यमताम अखिलार्थ लाभम त्वय्यच्युता विशति चित्रम पत्रपम। सज्जनों, राजकुमारी रुक्मिणी जी ने पत्र में लिखा, हे भुवन सुंदर, हे द्वारिकाधीश, जब से मैंने देवर्षि नारद जी के द्वारा आपके नाम रूप लीला धाम गुण गणों को सुना है, मेरा मन बुद्धि चित्त आपके प्रति आकृष्ट हो गया है। मैं आपको ही पूछती हूं, आपका नाम मुकुंद है, और मुकुंद किसको कहते हैं? जो मुक्ति को देने वाले हैं। मैं बंधन में बंधी हूं, क्या मेरे को मुक्ति नहीं मिलेगी? बोले कात्वा मुकुंद महति कुलशील रूप विद्या वयोधविण धाम विरात्म तुल्यम धीराम पतिम कुलवतिन व्रणीत कन्या काले नृसिंह नरलोक मनोभिरामम। मैं आपको ही पूछती हूं, एक सिंह के शिकार को सियार उठाकर ले जाए तो सिंह को शोभा नहीं देता? मैं आपकी हूं, आप सिंह के समान शूरवीर पराक्रमी हैं। मैं आपकी वस्तु हूं और आपकी वस्तु को सियार रूपी शिशुपाल ले जाए तो आपको शोभा नहीं? मैं गिरिजा मंदिर जाऊंगी, आपकी प्रतीक्षा करूंगी, आपके चरणों की दासी बनकर रह लूंगी, लेकिन कभी शिशुपाल के साथ नहीं जाऊंगी। आपके चरणों की दासी और रुक्मिणी, प्रेम से बोलो ना, राधे राधे, राधे राधे बोलो, राधे राधे। इतना सुनना था आज। पत्र बंद किया, कुल पुरोहित पंडित जी को भेज दिया, कहां द्वारिका के लिए आइए एक बार हम चले ना, द्वारिका के लिए चलें, बड़े भाव से चलें। हमारे ठाकुर जी से जैसे रुक्मिणी जी के चले ना भाव से। ओ मेरे बांके ओ मेरे बांके बिहारी से नैना लड़े, ओ मेरे बांके बिहारी से नैना लड़े, नैना लड़े री नैना, ओ मेरे बांके बिहारी से नैना लड़े री, मेरे बांके बिहारी से नैना लड़े, मेरे बांके बिहारी से नैना लड़े, नैना लड़े री नैना, लड़े री नैना, नैना लड़े री नैना, नैना लड़े री नैना, मेरे बांके बिहारी से नैना लड़े, मेरे बांके बिहारी I'm
मधुवारे गजरारे मधुवारे नैना एक पल हटे ना नैनो से नैना एक पल हटे ना नैनो से नैना एक पल हटे ना मेरे नैनो से नैना एक पल हटे नो नैना लड़े नैना लड़े री नैना मेरे बांके बिहारी से नैना लड़े मेरे बांके बिहारी से लड़े ओ नैना लड़े नैना
शिवा के बिहारी लाल की, द्वारिकाधीश भगवान की जय। रुक्मिणी जी ने अपने कुल पुरोहित पंडित जी को आहूत किया, पत्र दे दिया, भगवन ले जाइए इस पत्र को द्वारिका, स्वर्ण का कंगन उतार के दक्षिणा के रूप में दिया। और भगवान सुनिए, जब आप पत्रोत्तर लेकर के आएंगे, ये दूसरा कंगन भी आपको दक्षिणा के रूप में प्रदान करूंगी। कुल पुरोहित पंडित जी सीधे आए अपने आवास भवन में, अपनी पंडितानी को स्वर्ण कंगन प्रदान किया। कहाँ से ले आए, किसने दिया? राजकुमारी रुक्मिणी ने दिया है। तुरंत ब्राह्मणी ने दोनों हाथ उठाकर आशीर्वाद दिया, जाओ राजकुमारी, तुम्हारा मनोरथ सिद्ध हो, सिद्ध हो। यहां से कुल पुरोहित पंडित जी सीधे पहुंचे हैं कहां, द्वारिका के राजा प्रासाद। भगवान द्वारिकाधीश ने समागत इन विद्वान पंडित जी को आसन प्रदान किया है। एक बात कहूं, भगवान ब्राह्मण्य है, ब्राह्मणों का बहुत आदर सम्मान करते हैं। भगवान ने पूछा, सुनाइए कुंडिनपुर की कुशलता को। सब महाराज कुशल तो है। निकाल करके पत्र रुक्मिणी जी का भगवान के चरणों में रख दिया। जो पत्र उठाया, ओहो ये तो भीष्मक महाराज की पुत्री और रुक्मिणी का पत्र है। महाराज आप ही सुनाइए ना, क्या लिखा है रुक्मिणी ने। आज ये विद्वान ब्राह्मण पंडित जी रुक्मिणी जी के पत्र को सुनाने लगे हैं। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतामते। भगवान ने पत्र लिखा उत्तर के रूप में और पत्रोत्तर दक्षिणा देते हुए कुल पुरोहित जी को विदाई दी है। सीधे आज पहुंचे कुंडिनपुर के उस भवन में, राजकुमारी रुक्मिणी के आगे भगवान का पत्रोत्तर सौंप दिया। स्वर्ण कंगन दूसरा उतार के दक्षिणा के रूप में दिया। जो आज रुक्मिणी जी ने पढ़ा, पढ़ते ही पुलकित हो गई, रोमांच कंटकित हो गई। आहा, नाच उठी आज रुक्मिणी, नाच उठी। जय हो। ओ मुझे अपनी ही दुल्हन बना लो, ओ मुझे अपनी ही। देखो ऐसे नहीं, ऐसे हाथ करके मत बैठो, अब ये उदासी छोड़ो, जरा आ जाओ मस्ती में, आनंद में, शादी विवाह के मौके पर जरा। हाँ ऐसे नहीं, मेरे साथ जरा नाचो गाओ मस्ती से। ओ मुझे अपनी ही दुल्हन बना लो, शाम तेरी दीवानी हुई मैं। मुझे अपनी
लगा दो शाम तेरी दीवानी हुई मैं मुझे अपने ही दुल्हन Hey,
हमारे गणेश कृष्ण सभी बैठे हैं बहुत जल्दी से। रथ पर आरूढ़ हुए हैं, बैठ जाएं। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय। ऐसे नहीं, दोनों हाथ ऊपर उठाकर बोले द्वारिकाधीश भगवान की जय। भगवान द्वारिका से चल दिए आज कुंडिनपुर के लिए। देखो आप लोग शांति से बैठोगे तो मैं आगे बढ़ूंगा, नहीं तो 12 बजा लूंगा पूरे यहीं बैठे बैठे। जल्दी यदि प्रसाद पाना है तो शांत बैठे रहो। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय। भगवान सीधे आज आए हैं कहां, कुंडिनपुर में। इधर पीछे से शिशुपाल की बारात आ गई है और रुक्मिणी जी तो अपनी अष्ट सखियों के साथ गौरी पूजन के लिए गौरी मंदिर में पधारी हैं। एक बार हम सखियां बन जाएं ना। नमस्ते त्वाम्बिके भीक्षणम् स्वसंतान युताम् शिवाम् भूयात् पतिर्मे भगवान् कृष्णस्तदनुमोदताम्। जय जय गिरिवर राज किशोरी। जय जय गिरिवर राज किशोरी। जय महेश मुख चंद चकोरी। जय महेश मुख चंद चकोरी। जय गज बदन षडांगन माता। 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 जगत जननी दामिनी दूत गाता। जगत जननी जो चौपाइयां आप सुन रहे थे रामचरितमानस की हैं। जिन घरों में बेटियों के विवाह में थोड़ी अड़चन आती है ना, वो उस घर की बेटियां कन्याएं यदि इन चौपाइयों का नित्य पाठ करें तो इसकी फलश्रुति है कि उनको मनोनुकूल पति की प्राप्ति होती है, उनका मनोरथ सिद्ध होता है। माताओं को चाहिए अपनी बेटियों को ये चौपाइयां याद कराएं, नित्य इसका पाठ करें। भगवान पहुंच गए कुंडिनपुर में। बड़े बड़े आज शस्त्र लेकर के जितने भी अंग रक्षक हैं खड़े हैं राजकुमारी रुक्मिणी जी के। भगवान ने देखा इतनी भीड़ लगी है अंग रक्षक। अब रुक्मिणी जी का तो भाई प्रोटोकॉल कोई सामान्य थोड़े ना हो सकता है। आखिर विदर्भ नरेश महाराज भीष्मक की जो पुत्री है, अंगरक्षकों की भीड़ लगी है। भगवान ने कहा कैसे पहुंचे मंदिर में। भगवान रथ से कूद पड़े और रथ से कूद कर भगवान ने तुरंत अपनी दृष्टि चारों ओर डाली। जो दृष्टि चारों ओर डाली अंग रक्षक देखते रह गए, लुटे रह गए, मोहित हो गए। ऐसा रूप हमने आज तक नहीं देखा, कौन है ये? भगवान की दृष्टि में तो भगवान की माया है। सब खड़े देखते रह गए। भगवान गजराज की चाल में पहुंच गए कहां, कुंडिन उस गिरजा मंदिर पर। सीढ़ियां चढ़ने लगे,
राजकुमारी रुक्मणी तो प्रार्थना कर रही थी माँ गौरी की, हे माँ जो आज पहुंचे भगवान ने तुरंत रुक्मणी जी को पाणिक ग्रहण किया, उठाया गोद में और भगवान सीधे रथ में पर्दे लगा लिए, अंग रक्षकों को होश आया, ले गया ले गया ले गया ले गया ले गया। बोलिए रुक्मणी हरण भगवान की जय, रुक्मणी रमण भगवान की जय। शिशुपाल की बारात चल दी, अब सामने से बैंड बाजे बजते चले आ रहे थे, शिशुपाल आ रहे थे सामने से, थोड़ा हास परिहास किया रुक्मणी से, देवी जरा अपने होने वाले श्रीमान जी का दर्शन तो कर लो। भगवान ने तुरंत एक पर्दा हटाया, शिशुपाल से आंखें मिलाई और इशारे में पूछा, कहां जा रहे हो? शिशुपाल ने देखा, ओहो ये तो काला कृष्ण है, पर तुम जहां जा रहे हो तो ये बैठी, ले गया ले गया ले गया, चारों ओर शोर हो गया, ले गयो अब तो ले गयो। रुक्मिणी जी के भाई रुक्मिणी ने भगवान का विरोध किया, भगवान ने रुक्मिणी के कहने पर केशों का उच्छेदन किया, आधी मूछें साफ कर दी, सीधे भगवान रुक्मिणी को लेकर के पधारे हैं। लेकिन विदर्भ नरेश भीष्मक महाराज ने पत्र लिखा वसुदेव जी के लिए, मैं तो पिता हूं, कन्यादान विधि विधान से विवाह मंडप में बैठकर पाणिक ग्रहण संस्कार होना चाहिए, आपके चरणों में निवेदन प्रार्थना है कि द्वारिका वासियों को लेकर आप पधारें, मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा। इतना सुनते ही आज वसुदेव जी सब द्वारिका वासियों को लेकर भगवान दूल्हा बन गए, शेरा बन गया। आइए एक बार थोड़ी देर के लिए हम लोग बारात में शामिल हो जाएं, सुनाओ। मैं तो बाके की बाकी बन गई और बाका बन गया मेरा, मैं तो बाके की बाकी बन गई और बाका बन गया मेरा, ओ मैं तो बाके की बाकी बन गई और बाका बन गया मेरा, मैं तो बाके की बाकी बन गई और बाका बन गया मेरा, हो रसिया की छलिया की सजना की सैया की, 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 बाके की बाकी बन गई और बाका बन गया मेरा, तो बाके की बाकी बन गई और बाका बन गया मेरा। कुछ मांगा सब कुछ मांगा, उस बाके का सब कुछ मांगा, बाके का सब कुछ मांगा, सब कुछ मांगा सब कुछ मांगा, सब कुछ मांगा सब कुछ मांगा, उस बाके का सब कुछ मांगा, बाके का सब कुछ मांगा, बाके की बाकी बन गई और बाका बन गया मेरा, तो बाके की बाकी बन गई और बाका बन गया मेरा, ओ मैं तो बाके की बाकी बन गई और बाका बन गया मेरा, तो बाके की बाकी बन गई और बाका बन गया मेरा, मुकुट सिर मोर का मेरे चिथ छोर का, मुकुट सिर मोर का मेरे चिथ छोर का, तूने नन नन
इस उत्सव के विशेष यजमान श्री राजेंद्र चौधरी, मधु चौधरी जी मुंबई, उनके प्रतिनिधि के तौर पर मिस्टर बंसल जी। रुक्मणी उत्सव के विशेष यजमान श्री राजेंद्र चौधरी जी, मधु चौधरी जी मुंबई, उनके प्रतिनिधि यहाँ मौजूद हैं, वो कृपया यहाँ पधारें उत्सव की पूजा के लिए। जोगन भेष बनाया राजेंद्र बंसल जी और निहारिका बंसल जी। विशेष पूजा यजमान श्री दिनेश अग्रवाल जी और श्रीमती अंजलि अग्रवाल, मुकेश जी और उनके अन्य परिवारीजन कृपया पूजन के लिए पधारें। और उसके बाद हमारे सभी जो यहाँ यजमान मौजूद हैं, मैं नाम वैसे बोलना हो और जिनके नाम भी नहीं है अगर हम गलती से रह जाते हैं तो सभी क्रमबद्ध तरीके से एक एक करके यहाँ पधारेंगे।
श्री आदर्श बंसल जी, सब पत्नीक, श्री अरुण बंसल जी, श्री मोहन गर्ग जी, श्रीमती रेखा तिवारी जी, ममता पांडे, माधुरी चौबे, लीना चौबे और नमिता पाठक, श्रीमती सुनीता सिंह, मनोज चौधरी, एक एक करके आराम से क्रमबद्ध तरीके से अव्यवस्था ना करें। मनोज चौधरी, अंजू चौधरी, श्री जोगेंद्र सिंह चौहान, सपत्नी सुमित्रा चौहान जिनका कि आज जन्मदिन है, कृपया वो भी बता रहे हमारा श्री से आशीर्वाद दें। श्री सतीश नारायण अग्रवाल, डॉक्टर श्रीमती कुसुम लता, डॉक्टर मुकेश मालवीय, किरण मालवीय, श्रीमती इंदु गोयल, श्रीमती सरोज अरोड़ा, श्रीमती नीलम अग्रवाल, श्री गोविंद वर्मा जी इलाहाबाद, श्रीमती रानी मुंबई, श्री छोटेलाल जी श्रीवास्तव बनारस, श्री चिंतामणि पुरोहित जी, श्रीमती सुषमा सिंह, श्री रजनीश जी ठकराल सहारनपुर, श्री राजेंद्र बंसल, श्रीमती निहारिका बंसल, श्री महेश जी केसरवानी, श्रीमती वर्षा मुरारका, सिद्धार्थ मुरारका, रेखा तिवारी जी का तो आ ही चुके हैं मंच पर, और जो भी यजमान यहाँ पे हैं, एक एक करके क्रम से आए। ये जो आज का उत्सव है ये अपने आप में बहुत अद्भुत उत्सव है, रुक्मणी मंगल। ये जितनी भी सुहागन स्त्री हैं उनके लिए ये विशेष मनोरथ का दिवस है। भागवत की इस कथा में सबसे ज्यादा आपके सौभाग्य को अजर अमर अखंड, और आपके सौभाग्य के लिए ये एक ऐसा उत्सव का पर्व है आज इस संस्थान के निमित्त। जो भी सहयोग आप निश्चित तौर से कुछ ना कुछ सहयोग जरूर लिखाएं, कुछ ना कुछ सहयोग अवश्य करें, क्योंकि आज का ऐसा उत्सव आपके जीवन में खुशियों की नई सौगात, मेहंदी का नया रंग और जीवन में नए नए रंग लेकर आए, क्योंकि आज हम और आप सब रुक्मणी मंगल के इस आनंद उत्सव में समाहित हो रहे हैं। जयपुर से मुरारी लाल केलाड़ी जी अगर मेरी आवाज को सुन रहे हैं तो कृपया आप भी मंच तक पधारें। श्री मुरारी लाल हो मोटे मोटे नयन के तू, ओ मीठे मीठे बैनन के तू, ओ प्यारी प्यारी मूरत के तू, ओ कजरारे मोटे मोटे तेरे ने, मुंबई से पधारे श्री राजकुमार जी, कृपया मंच तक आए। श्री राजकुमार जी मुंबई से, उनके साथी जाए, पाके बिहारी कजरा रे
श्री राकेश वशिष्ठ जी दिल्ली से, श्री राजेश वशिष्ठ जी, श्री राजेश जी वशिष्ठ दिल्ली से अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो कृपया पधारे मंच पर। कोसी से हेमलता पचौरी जी, राधा गौड़ जी, अनुराधा गौड़ जी वो भी आ जाए कृपया मंच पर। ओम ज्वालामालिन्यै नमः रत्नेश्वर्यै नमः सर्वोपचारार्थै गंधाक्षदान पुष्पाणि समर्पयामि। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षोः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष प्राणश मुखाद् अग्निरजायत इदग्वं हवेः प्रजननं मे असुदस वीरग्वं सर्वगणग्वं स्वस्तये आत्मसनि प्रजा सनि पशु सनि लोक सन्य भयसनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करो त्वन्नं पयोरेतो अस्मा सुधत्त श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के श्यामा तेरी आरती मुकुट मेरा है फिर पर सोना मुकुट मेरा जे गल में जंती माला साजे गल में जंती माला साजे और फूलने के हार करेगा कल जोड़ के श्यामा तेरी आरती कर नारद शारद धन लगावे नारद शारद ध्यान लगावे करी जय जयकार करेगा कर जोड़ के श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा कर दुखिया भाई हो दीन दुखिया भाई आया हूँ प्रभु शरण तिहारी आया हूँ
अपने चरण की भक्ति दीजे, अपने चरण की भक्ति दीजे, अपनी शरण में मोहे रख लीजे, अपने शरण मोहे रख लीजे, करो भव सागर पर करदा कर जोड़ के, अम्मा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करदा कर जोड़ के, प्रेम सहित जो आरती गावे, प्रेम सहित जो आरती गावे, राधा माधव के पद पावे, श्री राधा माधव के पद पावे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा हरे रामा रामा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा